Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. Assalamu alaikum everyone and welcome back to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and in this session we'll be doing current affairs from January 2023 up till October 2023. ये करंट अफेयर सेशन आपके आने वाले BLW के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है या उसके अलावा भी अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यू कैन वॉच दिस करंट अफेयर्स मैराथन सेशन। इससे पहले हमने जो 2022 का जो करंट अफेयर्स का मैराथन किया था उसमें से SSC या JKSSB या SCOST के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए थे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस सेशन इज़ फॉर यू एंड आई एम क्वाइट होपफुल दैट इंशाल्लाह फ्रॉम दिस सेशन यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। नाउ बिफोर आई बिगिन अ फ्यू थिंग्स अबाउट दिस सेशन। इस सेशन की PDF अगर आप चाहते हैं तो वो आपको EACT क्लासेस की टेलीग्राम चैनल और EACT क्लासेस की एंड्रॉयड ऐप पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि आप कमेंट्स में यू वोंट बी आस्किंग अबाउट द PDF अगेन। आई हैव मेड इट क्लियर कि आपको PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल और एंड्रॉयड ऐप पे मिल जाएगी। अब इसको देखना कैसे, इस PDF इस मैराथन सेशन से आप किस तरह से ज़्यादा चीज़ें जो है याद रख सकते हो। नाउ एज यू ऑलरेडी मस्ट बी नोइंग दैट इन दिस सेशन विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स रिलेटेड इवेंट्स, तो उनको याद रखना इजी नहीं होता है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ दैट इज़ कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जितनी चीज़ें याद रहेंगी जस्ट उतनी याद रखने की कोशिश करें, अपने माइंड को आप ज़्यादा बर्डन करने की कोशिश ना करें। तो इसको कैसे देखेंगे आप, यू विल ट्राई टू वॉच इट ट्वाइस, दो बार देखेंगे आप इसको। इसके अलावा जो आप PDF इसमें मिलेगी उस PDF में मैंने आपको कुछ हाईलाइट करके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो हाईलाइटेड हैं येलो कलर से जो आपको आगे दिख जाएंगी वीडियो में भी, उनको उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस और उसमें से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। उसके अलावा जो बाकी हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, एटलीस्ट दो बार इसको देखना है इस वीडियो को एंड कोशिश करनी है कि आप इसकी PDF जो है उसको एक बार फिर रिवाइज़ करें खुद से पढ़ के। एंड और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने एक दो जगह पे यहाँ पे आपको जैसे कहीं पे आपको सिमिलर इवेंट्स हैं लाइक कहीं पे कोई इंडेक्स है तो मार्च में कोई इंडेक्स आया, फिर कोई अप्रैल में कोई इंडेक्स आया, तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल कहीं और पे रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपको अलग अलग जगह पे दिखेंगी। तो कोशिश करनी है कि जैसे मैं इंडेक्स फॉर एग्जांपल पढ़ाऊँगा तो जैसे मैंने कहीं पे कोई इंडेक्स पढ़ाया तो उसको आप साइड में लिख देना है कि इस इंडेक्स में इंडिया की ये रैंक आई थी। तो इसी तरह से मैं आपको साथ साथ में वहाँ पे वीडियो में बताऊँगा कि वो कैसे करना है, कौन सी चीज़ आपको राइट डाउन करनी है साइड में, ताकि आपको एक ही जगह पे वो लिख के आप रखो ताकि बाद में आप उसको इजीली जो है याद कर पाओ, रिवाइज़ कर पाओ। अब मैं वो खुद भी कर सकता था बट अगर आप खुद वो अपने लाइक पेन से अपनी कॉपी पर लिख के वो करोगे तो यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ January 2023। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है, तो याद रखना प्रज्वला चैलेंज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने देखा, इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो रोम में हुई, 1 जनवरी 2023 से ये स्टार्ट हुआ। CRPF ने जश्न चिलकला नाम का एक फेस्टिवल कराया था श्रीनगर के अंदर, याद रखना जश्न चिलकला CRPF ने करवाया था। इंडियाज सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज जो जौरी ब्रिज है वो गोवा में ओपन हुआ, तो याद रखना जौरी ब्रिज दैट इज़ इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेड ब्रिज वो गोवा के अंदर बनाया गया। स्मार्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया आयुर्वेदा के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए, तो याद रखना स्मार्ट प्रोग्राम क्या है, स्मार्ट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा। इलेक्शन कमीशन लॉन्च मिशन 9 to 9, इन्होंने मिशन 9 to 9 जो है वो लॉन्च किया टू टेक वोटर टर्नआउट इन त्रिपुरा ओवर 90 के ऊपर वोटर टर्नआउट को ले जाने के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया। शिव चौहान बनी फर्स्ट वुमन ऑफिसर जिनको सियाचन के अंदर डिप्लॉय किया गया, याद रखना शिव चौहान बनी फर्स्ट वुमन ऑफिसर जिनको डिप्लॉय किया गया सियाचन के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो कि वाराणसी से लेकर आसाम तक चलेगी। मणिपुर ने सेलिब्रेट किया इमोइनू इराटपा फेस्टिवल, तो याद रखना इमोइनू इराटपा फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। गान गाई फेस्टिवल जो है मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया गया। फर्स्ट G20 मीटिंग टू टेक प्लेस इन पुडुचेरी ऑन 31 जनवरी। हेल्थ मिनिस्टर ने चेयर की हाई लेवल मीटिंग टू एलिमिनेट काला अजहर फ्रॉम द कंट्री बाय 2023, तो याद रखना कौन सी डिजीज़ को 2023 तक
इरेडिकेट किया जाएगा कंट्री से, वो काला अजहर डिजीज़ है। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट जो है वो दिल्ली के अंदर होगी। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है बिंद स्कीम को। तो बिंद क्या है? बिंद इज ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। तो बिंद है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क को डेवलप करने के लिए एक स्कीम है। वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम थिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। तो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पे है? ये थिरुवनंतपुरम के अंदर है। इंडियाज फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल पर्पल फेस्ट गोवा में होगा। ये हमने देखा ऑलरेडी, पर्पल फेस्ट कहाँ होगा? ये गोवा के अंदर होगा। चाइना बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो पहली कंट्री एशिया के अंदर जहाँ पे हाइड्रोजन पे चलने वाली ट्रेन इनॉग्रेट की गई वो चाइना है। उड़ीसा को मिला वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। इसके बाद हमने देखा तपन साइकिया जो है इनको मिला असम बेबॉक अवार्ड। अगर आपको याद होगा असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लास्ट टाइम मिला था ये रतन टाटा को, और इस साल अब ये तपन साइकिया को मिला है। मंधाना एंड सूर्य कुमार यादव, सुमिति मंधाना और सूर्य कुमार यादव को नॉमिनेट किया गया है एज ICC T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 के लिए। बाबर आजम को शायद मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इन्होंने ज्वाइन किया सऊदी अरेबिया का फुटबॉल क्लब अल नसर, आजकल वो खेल रहे हैं अल नसर के लिए, तो याद रखना अल नसर सऊदी अरेबिया का क्लब है। इसके बाद हमने देखा कोस्टो चैटर्जी, ये बने 78th ग्रैंड मास्टर। 79th ग्रैंड मास्टर जो है वो प्रनीश एम बने, ये आपको याद रखना है। हमने देखा 77th आदित्य मित्तल बने, कोस्टो चैटर्जी 78th और प्रनीश एम जो है वो 79th ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के। हमने ऑलरेडी देखा कि शशि थरूर ने एक बुक लिखी है अंबेडकर ए लाइफ, एक बायोग्राफी है डॉक्टर अंबेडकर की लाइफ के, तो उसको लिखा है शशि थरूर ने। छत्तीसगढ़ सेलिब्रेट कर रहा है फेस्टिवल चेरचेरा। तो चेरचेरा फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। चेरचेरा और छत्तीसगढ़ ये दोनों नाम सेम लग रहे हैं, इसे आप याद रख सकते हो। केरला बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। तो फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बनी केरला। सेंटर ने रीनेम किया है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम को एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इंटीग्रेटेड IFSS जो हुआ करती थी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम, इसको अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से जाना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एग्ज़ाम दिया था रिसेंटली, उसमें ये पूछा गया था कि गंगा सागर मेला कहाँ हुआ था। तो गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के मौके पर हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर। याद रखना गंगा सागर जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ था। इंडियाज लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल सारंग जो है ये कंडक्ट हुआ IIT मद्रास के अंदर। G20 इज फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई पुणे के अंदर। हमने फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग देखी वो हुई दिल्ली के अंदर, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पुणे के अंदर हुई। पीयूष गोयल ने हमने ऑलरेडी देखा मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया है। मार्ग पोर्टल किसके लिए है? याद रखना मार्ग पोर्टल इज फॉर स्टार्टअप मेंटरशिप। इसकी फुल फॉर्म होती है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स, ठीक है। इसके बाद हमने देखा मनप्रीत मोनिका सिंह, ये बनी फर्स्ट फीमेल सिख जज इन US। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना फर्स्ट फीमेल सिख जज इन US बनी मनप्रीत मोनिका सिंह। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ को मिला अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। 50th चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। RRR को मिला बेस्ट ओरिजिनल स्कोर फॉर नॉट टू एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का 80th एडिशन था इस साल, और उसमें आपको याद रखना है बेस्ट फिल्म एट गोल्डन ग्लोब मिला द फेबल मैंस को। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी, ये ड्रामा की कैटेगरी में थी। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में ये मिला द बैनशीज ऑफ इनशरिन। द बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा ये हाउस ऑफ ड्रैगन को मिला। द बेस्ट टीवी सीरीज म्यूजिकल और कॉमेडी ये मिला अबॉट एलिमेंट्री को। बेस्ट डायरेक्टर स्टीवन स्पेलबर्ग को मिला द फेबलमैन्स के लिए। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म ये अर्जेंटीना को मिला, अर्जेंटीना 1985 को मिला। याद रखना बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म ये अर्जेंटीना 1985 को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा ये मिला केट ब्लैंकेट को फॉर द मूवी टार। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर ये जस्टिन हॉटफेज को मिला फॉर बेबीलोन सॉन्ग। द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ये नाटू को मिला RRR के लिए। नाटू के जो गाने वाले हैं काला भैरवा MM कीरावानी एंड राहुल स्पिलगंज के। इसके अलावा बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जो है पिनाचियो, ये आप याद रखना पिनाचियो जो है इसको मिली बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। इसके बाद हमने देखा थिरुनेडसन जो है इनको मिला प्रवासी भारतीय सम्मान 2023। इंडिया और जापान जो है ये पहली बार एक बायलैटरल एक्सरसाइज कर रही है बाय द नेम ऑफ वीर गार्जन 23। फलक मुमताज JNK की हैं, इन्होंने जीता नेशनल स्क्वेयर चैंपियनशिप में गोल्ड। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जो है इन्होंने एक बुक लॉन्च की है डायरी नंबर 1। तो याद रखना रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, उन्होंने डायरी नंबर 1 नाम की बुक रिलीज़ की है।
इसके बाद हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेयर नाम की एक बुक लॉन्च की है, रिलीज की है प्रिंस हैरी ने। तो स्पेयर किसने लिखी है? ये प्रिंस हैरी ने लिखी है। कश्मीर के फर्स्ट नॉन पिथ अवॉर्डी रहमान राही की इस साल डेथ हुई, तो याद रखना कश्मीर फर्स्ट नॉन पिथ अवॉर्डी रहमान राही पास्ड अवे इन 2023। राजस्थान बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। फर्स्ट G20 वर्किंग हेल्थ ग्रुप की मीटिंग केरला में होगी, याद रखना हेल्थ ग्रुप की मीटिंग केरला में होगी। माघी मेला फेस्टिवल जो है ये पंजाब में हुआ, याद रखना माघी मेला कहाँ होता है? पंजाब में होता है। NCERT ने नोटिफाई किया है कि इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख जो है वो जो है इन्होंने रिलीज़ किया है। तो परख क्या है याद रखना? परख इज परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो जो स्टूडेंट्स की असेसमेंट के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया है जिसका नाम परख होगा। तो परख इज द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर द परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। कोलाम बिकम्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, याद रखना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज कोलाम। हैदराबाद जो है इसको सेलेक्ट किया गया है टू होस्ट WEF सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हैदराबाद को हमने देखा ग्रीन सिटी अवार्ड भी मिला था, पहला गोल्ड ATM भी यहीं पे इनॉग्रेट हुआ। इसके बाद हमने देखा G20 इज फर्स्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो बेंगलुरु में होगी। वायनाड अगर आपको पता होगा राहुल गांधी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है केरला में, ये बनी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू द ट्राइबल्स। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इस साल कराया सरस मेला। सरस मेला जो है ये 4 February से 14 February तक हुआ, और ये जो है किन के लिए था? ये आर्टिजन्स और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए था फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। उन्होंने अपने जो आर्टिफैक्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, उनको शोकेस किया था इस मेले के अंदर, और ये मेला हुआ था बागीबहू जम्मू के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21 आइलैंड्स को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पर रीनेम किया है। याद रखना आप कि 21 आइलैंड्स को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में परमवीर चक्र जिन्होंने जीता है पहले उनके नाम पर नाम रखा गया है। इसके बाद एक माउंट ब्यूरियल सिस्टम है, अगर आपको पता होगा असम में एक अहोम डायनेस्टी हुआ करती थी, वो लाइक 19th century तक थी। अहोम डायनेस्टी की एक ब्यूरियल सिस्टम था, एक माउंट शेप्ड ब्यूरियल सिस्टम था, उनको कहते हैं माउ डैम्स। तो माउ डैम्स क्या है? माउ डैम्स इज ए माउंट टाइप ब्यूरियल सिस्टम ऑफ असमीज अहोम डायनेस्टी जिसको नॉमिनेट किया गया है फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो याद रखना माउ डैम्स कहाँ है? ये असम के अंदर है। जेसिंडा आर्डन जो है इन्होंने रिजाइन किया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने क्रिस हिपकिंस इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड। इंडिया और फ्रांस जो है इनकी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होती है वरुणा 2023, याद रखना वरुणा 2023 इंडिया और फ्रांस के बीच में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT मद्रास ने डेवलप किया है एक इंडिजीनियसली बिल्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारतOS। तो जिस तरह से आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही मोबाइल सिस्टम के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल्स के लिए जिसका नाम भारतOS है, जिसको लॉन्च किया IIT मद्रास ने। ये इंडिजीनियसली बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ Y20 ग्रुप गुवाहाटी के अंदर होगी। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स बेंगलुरु में हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख RK माथुर ने लॉन्च किया ULPIN। ULPIN क्या है? इट्स यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप याद रखें। ये लद्दाख में लॉन्च किया गया। नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनाग्रेट किया गया चंडीगढ़ के अंदर। इसके अलावा हमने देखा एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड के अंदर हुआ, हमने देखा था हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर होता है, इसके अलावा हमने देखा पर्पल फेस्टिवल वो गोवा के अंदर हुआ, और ऑरेंज फेस्टिवल भी नागालैंड के अंदर ही होता है। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने एक 6-day इवेंट कराया था भारत पर्व रेड फोर्ट के लॉन्स में, तो याद रखना भारत पर्व रेड फोर्ट में हुआ था। गवर्नमेंट ने रीनेम किया है जो मुगल गार्डन्स है, राष्ट्रपति भवन के अराउंड जो मुगल गार्डन्स थे उनका नाम अब अमृत उद्यान रखा गया है। तो याद रखना अमृत उद्यान इज द न्यू नेम ऑफ दिल्लीज मुगल गार्डन्स। ल्यूमिनस बनाएगा इंडियाज फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री उत्तराखंड के अंदर। खाड़ी फेस्टिवल 2023 जो है ये मुंबई में हुआ। अमित शाह ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कर्नाटका के अंदर। G20 शेरपा जो है इंडिया के G20 शेरपा हैं, यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं G20 में वो अमिताभ कंत हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया इंडियाज फर्स्ट मॉडल G20 समिट। यूनेस्को ने डिजिग्नेट किया है यूक्रेन की ओडेसा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर लिस्ट की कैटेगरी में।
पेटर पेवल जो है ये चेक रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट बने। इसके बाद हमने देखा अस्का पुलिस स्टेशन, उड़ीसा के अंदर है, ये बना कंट्रीज नंबर वन पुलिस स्टेशन। तो अस्का पुलिस स्टेशन कहाँ है, ये उड़ीसा के अंदर है। अब यहाँ पे पद्म विभूषण की बात करते हैं। अगर आपको पता है पद्म अवार्ड्स दिए गए 2022 में, ये 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था, लेकिन 2023 में 6 लोगों को ये मिला है। ये आपको नाम सारे याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है कि आर्किटेक्चर की कैटेगरी में ये मिला है श्री बालकृष्ण दोषी को। आर्ट की कैटेगरी में पिछली बार ये प्रभा अत्रे को मिला था, इस बार ये जाकिर हुसैन को मिला है। पब्लिक अफेयर्स में ये श्री एस एम कृष्णा को मिला है। मेडिसिन की कैटेगरी में ये श्री दिलीप महलनबिस को मिला है। साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये श्री श्रीनिवास वरदान को मिला है। और पब्लिक अफेयर्स में ये मुलायम सिंह यादव को मिला है, जिनकी डेथ हुई थी, जो समाजवादी पार्टी के लीडर थे। याद रखोगे आप सारे, आर्किटेक्चर की कैटेगरी में श्री बालकृष्ण दोषी, आर्ट की कैटेगरी में जाकिर हुसैन, पब्लिक अफेयर्स में एस एम कृष्णा, मेडिसिन में दिलीप महलनबिस और साइंस एंड इंजीनियरिंग में श्री श्रीनिवास वरदान को मिला। एंड पब्लिक अफेयर्स में ये मुलायम सिंह यादव को मिला है, जो यूपी से है। इसके बाद हमने देखा MU बनी फर्स्ट एशियन टू बैग ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। मलेशिया की है ये MU, ये एक्ट्रेस है, ये फर्स्ट एशियन बनी जिन्हें नॉमिनेशन मिला, ऑस्कर नॉमिनेशन मिला फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की प्रलय एक्सरसाइज नॉर्थ ईस्ट में। जुपिटर की आईसी मून्स एक्सप्लोरर स्पेस मिशन जो यूरोप का है उसको लॉन्च किया जाएगा अप्रैल के अंदर। तो याद रखना जुपिटर आईसी मून्स मिशन जो है ये यूरोप का स्पेस मिशन है। अगर आपको याद होगा जो इसरो का आदित्य L1 मिशन है, यानी जो एक जो सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है जिसको लॉन्च किया जाएगा जून जुलाई 2023 में, उसका नाम आदित्य L1 है। इसके बाद एरिना सेबेलेंका जो है इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन में, हमने देखा। और नोवाक जोकोविक ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में वुमेन सिंगल्स का टाइटल। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता भुवनेश्वर इंडिया के अंदर। तो पहली बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो फीफा जो FIH यानी हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था इस साल, वो इंडिया के अंदर हुआ था भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, और इसमें जर्मनी ने हराया बेल्जियम को फाइनल के अंदर। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो MP में शुरू हुए, महाराष्ट्र ने टॉप किया है। याद रखना महाराष्ट्र ने टॉप किया है विद 61 मेडल, इट शुड बी 161 नॉट 61, 161 मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने। CRPF को मिला बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट एट रिपब्लिक डे का अवार्ड। अगर आपको पता होगा रिपब्लिक डे की जो सेरेमनी होती है वहाँ पे CRPF इंडियन आर्मी इंडियन नेवी और बहुत सारी लाइक ITBP और दिल्ली पुलिस एट्सेट्रा के बहुत सारे कंटेंजेंट्स होते हैं जो मार्च करते हैं। बेस्ट मार्चिंग कंटेंजेंट का अवार्ड CRPF को मिला है। और अगर आपको पता होगा वहाँ पे W's भी आते हैं, हर स्टेट का एक W होता है, और इस साल बेस्ट W का अवार्ड जो है उत्तराखंड को मिला है। ChatGPT बहुत सुना होगा आपने, ChatGPT जो है ये एक पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है जिसको OpenAI नाम की कंपनी ने बनाया है। याद रखना इसको किसने बनाई, इसको OpenAI ने बनाया है, OpenAI कंपनी का नाम है। और ChatGPT में GPT की फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये एक टाइप का मॉडल होता है, एक मशीन लर्निंग मॉडल होता है जो इस ChatGPT में यूज़ होता है। एरो इंडिया 2023 जो है बैंगलोर में होगा। इसके बाद ट्रोपेक्स नाम की एक्सरसाइज हुई जो कि इंडियन ओशन में हुई, इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड्स के बीच में, ये इंडिया की ही डिफरेंट आर्म फोर्स के बीच में होती है। शुभमन गिल बने यंगेस्ट क्रिकेटर स्कोर डबल सेंचुरी, याद रखना यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर डबल सेंचुरी शुभमन गिल है, लेकिन फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर डबल सेंचुरी ईशान किशन है। मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूड किया है नीला कुरिंजी को लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव प्लांट्स की कैटेगरी में। केवीना को मिला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया है न्यू एक्सोप्लैनेट बाय द नेम ऑफ LHS 47B। तो याद रखना LHS 47B क्या है, ये एक एक्सोप्लैनेट है। इसके बाद हमने देखा RRR को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म एंड बेस्ट सॉन्ग मिला एट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स। ये हमने ऑलरेडी देखा, इसको दो अवार्ड्स मिले। एंटायर कंट्री इसको कवर किया जाएगा डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से बाय 2025। इसके बाद हमने देखा कि मिस यूनिवर्स 2022 जो है ये आर बॉनी गैब्रल को मिला है। तो बॉनी गैब्रल जो है ये बनी मिस यूनिवर्स 2022। इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेम्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग एस्टैब्लिश किया जाएगा शिलोंग में, शिलोंग कैपिटल है मेघालय की। कैप्टन सुरभी जखमोला जो है ये बनी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिसको पोस्ट किया गया ऑन ए फॉरन असाइनमेंट इन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की तरफ से पहली बार किसी फॉरेन असाइनमेंट पे अपॉइंट की जाने वाली जो है वो कैप्टन सुरभी जखमोला बनी। डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबर जो मिनिस्टर हैं UAE के, उनको अपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ COP 28।
former union minister and RJD leader Sharad Yadav passed away. हमने देखा मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी से उनकी डेथ हुई. इसके अलावा हमने देखा कि शरद यादव जो कि RJD के लीडर थे, शायद RJD की फुल फॉर्म राष्ट्रीय जनता दल होती है, उनकी डेथ हुई थी. जिसका इंडिया 3 लोगों को भेजेगा समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 में 6000 मीटर बिलो सी लेवल के, यानी 3 लोगों को समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 600 नाम की एक स्पेशली बिल्ट एक अंडर वाटर शिप है जिसमें इनको 6000 मीटर अंडर द सी लेवल भेजा जाएगा टू एक्सप्लोर द डीप सी. इसके बाद हमने देखा वृंदा राठी, जनानी नारायण एंड गायत्री वेणुगोपालन जो है ये फर्स्ट फीमेल अंपायर्स बनी जिन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच में अंपायरिंग की हो. नासा ने अपॉइंट किया है इंडियन अमेरिकन स्पेस एक्सपर्ट AC चरानिया को एज देयर चीफ टेक्नोलॉजिस्ट. तो इस तरह से हमारी जनवरी के कवर होते हैं, अब हम फरवरी के कवर करेंगे. गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम. तो याद रखना, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. आंध्र प्रदेश की कैपिटल होगी विशाखापट्टनम. आंध्र प्रदेश की कैपिटल अब होगी विशाखापट्टनम. अगर आपको पता होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल, दोनों की कैपिटल हैदराबाद हुआ करती थी, अब आंध्र प्रदेश की अलग कैपिटल होगी विशाखापट्टनम. MP गवर्नमेंट ने लाडली बहना स्कीम को लॉन्च किया है. इसके बाद हमने देखा तेलंगाना में हुआ समाथा कुंभ मेला. तो समाथा कुंभ मेला जो है ये तेलंगाना के अंदर हुआ है. अडानी ग्रुप ने एक्वायर किया हाइफा पोर्ट को. याद रखना हाइफा पोर्ट इसराइल में है, तो इसराइल का आई गेस ये लार्जेस्ट पोर्ट है इसराइल का. इसको $1.2 बिलियन में खरीदा है अडानी ग्रुप ने. तो अडानी ग्रुप ने हाइफा पोर्ट को खरीदा है. याद रखना हाइफा पोर्ट इसराइल के अंदर है. फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई गुजरात के अंदर. याद रखना G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग गुजरात के अंदर हुई. मध्य प्रदेश ने भोपाल के इस्लाम नगर का नाम चेंज करके अब जगदीशपुर कर दिया है. इंडिया ने वेलकम किया है कॉन्गो को इनटू इंटरनेशनल सोलर अलायंस. अगर आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है और इसका नया मेंबर कॉन्गो बना है. यायासो लद्दाख के अंदर है. ये लद्दाख की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है. यायासो जो है ये लद्दाख के अंदर है एंड इट बिकेम लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. वाइस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है 36 सूरज कुंड हैंडक्राफ्ट मेला को फरीदाबाद हरियाणा के अंदर. याद रखना मैंने कल्चर एंड हेरिटेज वाली वीडियो में भी पढ़ाया है सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट का मेला जो है ये हरियाणा के अंदर होता है. इक्विटोरियल गुयाना एक कंट्री है. इक्विटोरियल गुयाना की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी मैनुएला रोकाबोटी. तो मैनुएला रोकाबोटी बनी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्विटोरियल गुयाना. इसके बाद हमने देखा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम. इसके बाद हमने देखा ग्रैमी अवार्ड्स. 65th एडिशन ऑफ ग्रैमी अवार्ड्स अनाउंस किए गए इस साल. रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये मिला अबाउट डैम टाइम को, ये लीजो ने गाया है. इसके बाद एल्बम ऑफ द ईयर ये हैरीज हाउस को मिला फ्रॉम हैरी स्टाइल्स. सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट बाय बॉनी रायट. इसके बाद अगर ऑस्कर्स की बात करेंगे तो अभी मार्च में ऑस्कर्स आने वाले हैं, लेकिन पिछले साल के जो ऑस्कर्स थे उनमें एक्टर इन लीडिंग रोल मिला विल स्मिथ को फॉर किंग रिचर्ड मूवी. एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल ये जेसिका चैस्टन को मिला फॉर द आईज ऑफ द टैमी फेई. एंड इसके बाद बेस्ट एनिमेटेड फिल्म इंचांटो को मिला. बेस्ट डायरेक्शन द पावर ऑफ डॉग को मिला. ये याद रखना बेस्ट डायरेक्शन पावर ऑफ द डॉग को मिला. बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ये जापानीज मूवी ड्राइव माई कार को मिला है. इसके बाद हमने देखा जुपिटर की 12 नई मून्स जो डिस्कवर हुई हैं. तो अब जुपिटर की जो डिस्कवर्ड मून्स है वो 92 हो गई हैं और सैटर्न की 83. अभी तक 2019 में सैटर्न की कुछ नई मून्स डिस्कवर हुई थी जिसकी वजह से सैटर्न वाज नोन टू हैव द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स. बट अब अगर आपसे पूछा जाए कि सोलर सिस्टम में किस प्लैनेट में सबसे ज़्यादा मून्स है, यू शुड रिमेंबर वो जुपिटर है, क्योंकि अब उसका टोटल मून काउंट जो है वो 92 पहुँच गया है. यजवेंद्र चहल बने हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम टीम इंडिया इन T20 इंटरनेशनल्स. उस्मान ख्वाजा को मिला शेन वॉन्स मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड. 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. उसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन. और 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे. उसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप. मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया युवा संगम पोर्टल. याद रखना युवा संगम पोर्टल जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया. और काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल जो मैंने आपको पढ़ाया है कल्चर एंड हेरिटेज की वाली वीडियो में, काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल जो है वो मुंबई में मनाया गया था. यूनियन गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम को 2024 तक एक्सटेंड किया है. IIT मद्रास ने एक MOU साइन किया है इसरो के साथ टू डेवलप एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल एट द IIT मद्रास. इसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ऑर्गेनाइज कर रहा है 22nd एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव.
इसके बाद विश्व भारती एक यूनिवर्सिटी है, इट विल बी वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अरेबिक एकेडमी का इनॉग्रेशन किया मुंबई में। अरेबिक एकेडमी बेसिकली, अगर आपको पता होगा, गुजरात और महाराष्ट्र रीजन में एक दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, एक मुस्लिम कम्युनिटी है। वो कम्युनिटी एक बिजनेस मैन की कम्युनिटी है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एसोसिएटेड विद बिजनेस, एंड मुस्लिम्स में लाइक बोहरा दाऊदी कम्युनिटी को माना जाता है कि वो बहुत क्लोज हैं इन विथ बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उन्हीं की एक अरेबिक एकेडमी को इनॉग्रेट करने गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया टर्की और सीरिया में हेल्प के लिए। तो अगर आपको पता होगा, टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था, बड़े ही डिजास्टर्स अर्थक्वेक से, एंड उसमें इंडिया ने जो हेल्प भेजी है वो अंडर ऑपरेशन दोस्त उन्होंने भेजी थी। उसके बाद हमने मेटा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा ने लॉन्च किया डिजिटल सुरक्षा कैंपेन इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई G20 की लखनऊ में। धारा, याद रखोगे आप, धारा क्या है? धारा इज ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। एक एनुअल मीटिंग हुई थी एंड मीटिंग होती है जो कि रिवर्स डीज अलायंस के बीच होती है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट फेज ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अगर आपको पता होगा, इससे दिल्ली मुंबई के बीच का जो ट्रैवलिंग टाइम है बहुत कम हुआ था। गूगल ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है बार्ड। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर जो गूगल ने लॉन्च किया है दैट इज़ बार्ड। तो बार्ड क्या है? बार्ड इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, इंटेलिजेंट चैटबॉट दैट इज़ रिलीज बाय गूगल। इसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई में शुरू हुई। इसके बाद मोबिक्विक, जो आपको पता होगा, एक जिसकी ऐप भी आपको आपके फ़ोन में शायद होगी, ये बनी इंडिया की फर्स्ट ऐप टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑन UPI। इसके बाद हमने देखा निकस क्रिस्टोडेलेडस, ये सिप्रस के नए प्राइम प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। पेगी मोहन, इन्हें मिला मथुरा भूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड। ऋषि कपूर को मिला गोल्डन बुक अवार्ड्स, राखी कपूर को मिला गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर हिज बुक नाउ फ्यू ब्रीद। ITBP इन्होंने जीता नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023। सलमान रश्दी, जो कि एक लंडन बेस्ड ऑथर हैं, इनकी नई नॉवल रिलीज हुई विक्टोरिया सिटी। आपने इनके बारे में सुना होगा, सैटनिक वर्सेस बड़ी इनकी कॉन्ट्रोवर्सियल बुक रही है, तो इन्हीं की नई नॉवल आई है विक्टोरिया सिटी। पॉपुलर पेंटर BKS वर्मा पास्ट अवे। तो पूछा अगर जाए कि BKS वर्मा जो रिसेंटली डेथ हुए वो क्या थे, वो पेंटर थे। लद्दाख होस्ट करेगा इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन पैनगोंग सो लेक में। तो इंडिया की पहली फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ होने वाली है? पैनगोंग सो में। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया खनन प्रहारी। खनन प्रहारी क्या है? खनन प्रहारी इज कोल माइन सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। अनऑथराइज माइनिंग जो होती है उसको रोकने के लिए खनन प्रहारी और कोल माइन सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इंडियाज फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट टू बी सेटअप इन पुणे, यानी वेस्ट हाइड्रोजन बनाने का प्लांट पुणे में एस्टैब्लिश किया गया है। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको गोरखपुर में एस्टैब्लिश किया जाएगा। याद रखना, ये गोरखपुर यूपी में भी है लेकिन ये गोरखपुर हरियाणा के अंदर है। यूरोपियन यूनियन फॉर्मली बैन्स गैस डीजल कार सेल्स फ्रॉम 2035। तो 2035 से यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी कंट्रीज आती है उनमें गैस या डीजल, यानी पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां बैन हो रही हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद शहाबुद्दीन वो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। नील मोहन यूट्यूब के नए CEO होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब के नए CEO का नाम है नील मोहन, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है एज यूनिसेफ्स नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स। BVR सुब्रमण्यम अपॉइंट हुए हैं CEO नीति आयोग के। ये आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एंजेला मर्कल, इनको मिला यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट। तो एंजेला मर्कल, इनको मिला यूनेस्को पीस प्राइज। एंजेला मर्कल जो है ये एक जर्मन चांसलर है, फॉर्मर जर्मन चांसलर है। ऑस्टिन बटलर, इनको बेस्ट अवार्ड मिला बैफ्टा अवार्ड्स में। बैफ्टा होते हैं ब्रिटिश अकेडमी के अवार्ड्स, होते हैं ब्रिटिश अकेडमी के फिल्म अवार्ड्स, उनमें ऑस्टिन बटलर को मिला बेस्ट अवार्ड। बेस्ट फिल्म मिला ऑल क्वेट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। लीडिंग एक्ट्रेस यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला केट ब्लैंचेट को फॉर द मूवी टार, एंड लीडिंग एक्टर का अवार्ड जो है वो ऑस्टिन बटलर को मिला फॉर द मूवी एल्विस।
सिक्स एडिशन ऑफ इंडिया यूएस एक्सरसाइज तर्कश कंक्लूडेड इन चाइना. तो अगर पूछा जाए तर्कश किन के बीच होती है, तर्कश इंडिया और यूएस के बीच में होती है. इंडिया और जापान के बीच में धर्मागाजन 23 पहली एक्सरसाइज हुई इस साल, ये भी हमने देखा. स्मृति मंदाना ने हिस्ट्री क्रिएट की है बिकॉज इस साल जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है यानी वुमेन्स आईपीएल जिसका कल पहला मैच था, उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑक्शन में बोली लगी है वो स्मृति मंदाना को लगी है. आई गेस 3.2 करोड़ और समथिंग की लगी थी. सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा के रणजी ट्रॉफी भी जीती है. हमने देखा सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी भी जीती और सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी भी जीती है. इसके बाद हमने ललिता लाजमी भी, इनकी भी डेथ हुई, ये भी एक पेंटर ही थे. वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली में होता है, ये आपको पता ही होगा. यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मान आबाद का नाम अब से धाराशिव होगा. तो याद रखना इन दो का नेम चेंज हुआ है. औरंगाबाद का नया नाम याद रखना, औरंगाबाद एक अच्छी बड़ी सिटी है, इसका नाम अब छत्रपति संभाजी नगर होगा. इसके बाद केरला बनी फर्स्ट स्टेट टू यूज़ रोबोटिक स्केवेंजर्स टू क्लीन मैन होल्स. अगर आपको पता है आज भी इंडिया में मैनुअल मैन होल क्लीनिंग होती है. मैन होल्स को क्लीन करने के लिए उसमें लोग बेचारे जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो है उनकी डेथ भी होती है. तो रोबोटिक स्केवेंजर्स यूज़ किए हैं केरला ने पहली बार. इसके बाद भूटान के पहले डिजिटल सिटीजन बने वहाँ के 7-year-old प्रिंस जिग्मे नंगब्याल वांगचुक, ये बने फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान. कश्मीर फाइल्स को मिला दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड. तो दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म मिला कश्मीर फाइल्स को. फिल्म ऑफ द ईयर, याद रखना फिल्म ऑफ द ईयर मिला RRR को. बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणबीर कपूर को फॉर ब्रह्मास्त्र. बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी. क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड वरुण धवन फॉर बेडिया. क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड विद्या बालन को मिला फॉर जलसा. बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल मिला सलमान दुलकर को फॉर चुप. एंड बेस्ट डायरेक्टर मिला आर बाल्की को फॉर चुप. इसके बाद हमने देखा प्रेम कुमार मलिक, इनको मिला संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2019. इसके बाद हमने देखा जे एंड के को मिला बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड. याद रखना आप बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जे एंड को मिला है. इसके बाद हमने देखा हरि बालाकृष्णन, इनको मिला मार्कोनी प्राइज़. मार्कोनी अगर आपको पता होगा मार्कोनी वो हैं जिन्होंने रेडियो बनाया था एंड इनके नाम पर टेलीकम्युनिकेशंस में जो प्रोमिनेंट काम कोई करता है उसके लिए एक प्राइज़ दिया जाता है मैर्कोनी प्राइज़. तो ये मिला इस साल MIT के प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन को. इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में X-10 League 23 उत्तराखंड में हुई. इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है डेजर्ट फ्लैग 8 में जो UAE के साथ इंडिया करता है. तो इंडिया और UAE के बीच में होती है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, ठीक है. INS सिंधु केसरी बनी फर्स्ट इंडियन सबमरीन टू डॉक इन इंडोनेशिया. याद रखना फर्स्ट इंडियन सबमरीन टू डॉक इन इंडोनेशिया वो INS सिंधु केसरी है. रुद्रांश पटेल, इन्होंने गोल्ड जीता 10 मीटर एयर राइफल ISSF वर्ल्ड कप में. तो ISSF इंडियन शूट इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन के वर्ल्ड कप में रुद्रांश पटेल ने जीता है गोल्ड मेडल. ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा के ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है. मेन्स T20 वर्ल्ड कप जीती है इंग्लैंड ने और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीती है ऑस्ट्रेलिया ने फॉर द 6th टाइम. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कनक रीले, इनकी डेथ हुई. ये मोहिनी आतम जो आपको ऑलरेडी पता होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, मोहिनी आतम डांस की प्रोपोनेंट थी. याद रखना कनक रीले मोहिनी आतम की प्रोपोनेंट थी. इसके बाद हमने देखा ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए 6 February को. ग्रैमी अवार्ड्स में बियॉन्से ने 32 ग्रैमी अवार्ड्स जीते और हैरी स्टाइल्स को एल्बम ऑफ द ईयर मिला है. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अवार्ड्स इस बार बियॉन्से ने जीते हैं ग्रैमी अवार्ड्स में. बियॉन्से बनी मोस्ट अवार्डेड आर्टिस्ट इन ग्रैमी हिस्ट्री ड्यूरिंग हिस्टोरिक इवनिंग इन लॉस एंजलिस. इसके बाद हमने देखा इंडिया के रिकी केज जो है इनको भी ग्रैमी अवार्ड मिला इस साल फॉर हिज एल्बम डिवाइन टाइड्स. तो किन को मिला इंडिया में ग्रैमी अवार्ड, रिकी केज फॉर हिज एल्बम डिवाइन टाइड्स. इसके बाद युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया 6 February को. युवा संगम जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्टर्न को एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्ट करने के लिए ये एक युवा संगम इनिशिएटिव है और ये आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत के बैनर के अंडर. इसमें 20,000 यूथ को ट्रैवल कराया जाएगा थ्रू आउट इंडिया, इंडिया के कल्चरल्स डिफरेंट कल्चर्स को समझने और लर्न करने के लिए. जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम डिपॉजिट्स डिस्कवर किए हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कहाँ पे सलल हाइमाना एरिया में. ये तो बहुत सुना होगा आपने कि रियासी डिस्ट्रिक्ट
के अंदर लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं। और आज ही एक न्यूज़ आई है कि ईरान के अंदर भी बहुत वास्ट अमाउंट में लिथियम रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं। थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है कहाँ होते हैं, गुलमर्ग में होते हैं। और उसका थर्ड एडिशन जो है कहाँ हुआ, इस साल फरवरी 10 से स्टार्ट हुआ और ये गुलमर्ग में ही हुआ। और जेएनके ने सबसे ज़्यादा मेडल इसमें जीते। सऊदी अरेबिया 2027 के एशियन फुटबॉल कप टूर्नामेंट को होस्ट करेगा। राष्ट्रपति भवन के जो गार्डन्स थे उनका नाम पहले मुगल गार्डन्स हुआ करता था, अब उनका नाम अमृत उद्यान हो गया है। इसके बाद हमने देखा यूनियन बजट, इस साल जो निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 7 प्रायोरिटीज गवर्नमेंट की जो है आउटलाइन की, उनको उन्होंने सप्तऋषि के नाम से प्रेजेंट किया। तो कौन कौन सी प्रायोरिटीज रहेंगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग पोटेंशियल, ग्रीन पावर, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इस साल के वर्ल्ड कैंसर डे जो 4 फरवरी को मनाया गया, उसकी जो थीम थी वो क्लोज द केयर गैप थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, इसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। इसी तरह हमने देखा अरियाना सैबलिंका जो बेलारूस की हैं, उन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स कैटेगरी में जीता। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को अनाउंस किया है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल होगी, ये में हमने ऑलरेडी देखा। इंडिया का जो UPI है वो सिंगापुर के पेनाओ के साथ अब इंटीग्रेट हो गया है। मतलब अब सिंगापुर में आप UPI से पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि अब इंडिया का UPI और सिंगापुर का पेनाओ इंटीग्रेट हो गए हैं। इसके बाद BVR सुब्रमण्यम जो है ये अपॉइंट हुए हैं नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। याद रखोगे नीति आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CEO जो होंगे वो होंगे BVR सुब्रमण्यम, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सौराष्ट्र ने रांची ट्रॉफी 2022 जीती है, इन्होंने ऑलरेडी आपको बताया मैंने बंगाल को हराया फाइनल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है महर्षि दयानंद सरस्वती के 200th बर्थ एनिवर्सरी की। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी है इस साल। आप याद रखना, साउथ अफ्रीका से 12th चीताज लाए गए कुनू नेशनल पार्क में। कुनू नेशनल पार्क कहाँ है, वो मध्य प्रदेश के अंदर है। एंड इसके बाद हमने देखा टाटा ग्रुप का जो एयर इंडिया है, यानी एयर इंडिया जो अब टाटा ग्रुप का है, उन्होंने 470 एयरक्राफ्ट्स मंगाए हैं एयरबस और बोइंग से। ये अब तक की सबसे बड़ी डील है एयरक्राफ्ट की जो दुनिया में हुई है। 470 एयरक्राफ्ट जो है इन्होंने मंगाए हैं एयरबस और बोइंग से। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस इनॉग्रेट हुई है मुंबई में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 11 फरवरी को भोपाल में ख़त्म हुए एंड महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार सऊदी अरेबिया की कोई वुमन जाएगी स्पेस में। उनका नाम है रयाना बरनावी। तो रयाना बरनावी वुड बी द फर्स्ट वुमन एस्ट्रोनॉट ऑफ सऊदी अरेबिया जो कि स्पेस में जाएंगी 2023 में। एंड शी विल गो टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन 10-day मिशन। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट होंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ फिजी ऑर्गेनाइज कर रहा है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी के अंदर। नाउ मूविंग ऑन टू मार्च, तो मार्च में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की डेकन यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी बनी जो कि इंडिया में अपना कैंपस एस्टैब्लिश करेगी। तो याद रखना है दैट ऑस्ट्रेलियाज डेकन यूनिवर्सिटी वुड बी द फर्स्ट वन टू सेट अप ए कैंपस इन इंडिया। और ये कहाँ पे अपना कैंपस सेटअप करेगी, दैट वुड बी इन गुजरात, गिफ्ट सिटी गुजरात। ओके, नाउ उसके बाद इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 जो है ये ऋषिकेश उत्तराखंड में 8 से लेकर 14 मार्च तक मनाया गया। तो याद रखना इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है जो उत्तराखंड के ऋषिकेश में 8 से 14 मार्च तक मनाया गया। अब यहाँ पे डेट भी आपको याद रखनी है और साथ में आपको उत्तराखंड स्टेट का नाम भी याद रखना है। इसके अलावा हम देखेंगे एक योगा महोत्सव भी था, वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन वो दूसरी जगह पे हुआ था। लेकिन इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो है वो ऋषिकेश में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की एक 5-member एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जो कि हाइडनबर्ग रिपोर्ट, अगर आपको याद होगा हाइडनबर्ग रिपोर्ट एक आई थी जिसमें अडानी ग्रुप के बारे में बहुत सारी जो चीज़ें बताई गई थी उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड उस कमेटी के जो हेड होंगे वो होंगे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अभय मनोहर सापरे। तो याद रखना है कि हाइडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो हेड होंगे वो होंगे अभय मनोहर सापरे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की लाडली बहना स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाडली बहना स्कीम फॉर वुमेन, दिस वॉज लॉन्च बाय मध्य प्रदेश। ये आप याद रखना है, ये बहुत बार आपको इससे पहले भी मैंने कराया था शायद,
तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आप जॉब को याद रखना है। तो इसमें स्टेट का नाम याद रखेंगे कि लाडली बहना जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। इसके अलावा हमने देखा कि एक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर HUID होगा गोल्ड ज्वेलरी पे, और इस ID के बिना अप्रैल 2023 से कोई भी गोल्ड ज्वेलरी की सेल नहीं होगी। तो अगर इस पे आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि फॉर एग्जांपल वो आप पूछ सकते हैं कि हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किसके लिए है, गोल्ड के लिए, डायमंड्स के लिए, सिल्वर के लिए या ब्रॉन्ज के लिए। तो यू शुड रिमेंबर ये गोल्ड ज्वेलरी के लिए, हॉलमार्क आपको पता ही होगा कि हॉलमार्क गोल्ड के लिए होता है। जितेंद्र सिंह ने गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया था भोपाल में, तो याद रखना है कि गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो है वो भोपाल में हुई थी। इसके बाद हमने देखा इंटरनेशनल न्यूज़ में कि सिंगापुर जो है वो UPI को एक्सेप्ट करेगा, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो UPI आप यूज़ करते हो इंडिया में, वो अब सिंगापुर के बाद UAE, मॉरिशस और इंडोनेशिया में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आप याद रखोगे, इन सारी कंट्रीज़ का नाम याद रखना है कि UPI कहाँ कहाँ पे चलेगी। अभी तो सिंगापुर में चल रहा है, लेकिन अब UAE, मॉरिशस और इंडोनेशिया में भी चलेगा। एक विंडसर फ्रेमवर्क है, बेसिकली विंडसर क्या है, विंडसर एक डील है UK और यूरोपियन यूनियन के बीच में। ब्रेक्सिट के बाद ये डील हुई थी, जिसका मकसद है नॉर्दर्न आयरलैंड और UK के बीच के ट्रेड के रिलेशंस को इम्प्रूव करना। तो याद रखना कि विंडसर फ्रेमवर्क UK और यूरोपियन यूनियन के बीच डील है, जो कि मार्च 2023 में हुई थी। नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट का नाम है बोला टिनुबू, याद रखना है नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट का नाम बोला टिनुबू है। और वियतनाम के नए प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है वो वैन थुआंग, तो वो वैन थुआंग जो है वो प्रेसिडेंट है नए वियतनाम के। इसके बाद इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक 108 थी, जिसको टॉप किया था डेनमार्क ने। अब यहाँ पे मैंने एक साथ सारे आपके इंडिसीज जो हैं ये रखे हैं। अब यहाँ पे आप आई नो कमेंट्स में बहुत सारे बच्चे जो हैं कमेंट करेंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक जो है वो 80 है, ना कि 83 है, या ऐसे करके डिस्क्रिपेंसीज के बारे में नीचे लिखेंगे। बट आई हैव ट्राइड कि मैंने रीसेंट और जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या ऐसी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उनसे मैंने इसको क्रॉस चेक करके आपके सामने लाया है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 83 थी, अब ये जो है ये शायद हर 4 मंथ्स के बाद आता है, तो शायद पहले 80 था मार्च में, या शायद 82 था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। लेकिन अभी अगर आप वेबसाइट पे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की वेबसाइट पे जाओगे तो इंडिया की रैंक वहाँ पे 83 है। तो ये सारे जो है ये रीसेंट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126 है इंडिया की रैंक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40th है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसमें 111th है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इसमें 126 है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट दोनों में 126 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 8 है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108 थी, जो मैंने ऊपर आपको बताया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13 है, इसमें अफगानिस्तान टॉप पे था। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 रैंक है इंडिया की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सिंगापुर एयरलाइंस जो है उसने एयर इंडिया ग्रुप में 25.1% स्टेक हासिल किया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल और बैंक्स के रिलेटेड एक करंट अफेयर है कि एयर इंडिया में 25% स्टेक हासिल करने वाली सिंगापुर एयरलाइंस बनी है। RBI ने लॉन्च किया मिशन हर पेमेंट डिजिटल टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स। तो अगर आपको पूछा जाए कि मिशन हर पेमेंट डिजिटल किसने लॉन्च किया था, ये किया था RBI ने। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस पे आते हैं। तो यहाँ पे रश्मि शुक्ला जो हैं ये SSB जो कि सशस्त्र सीमा बल है उसकी हेड बनी है। इसके अलावा कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बने शेख अहमद नवाफ अल सबा, एस दुबे इनको बनाया गया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसके अलावा मेघालय के नए चीफ मिनिस्टर का नाम है कोनराड सांगमा। तो ये आप याद रखोगे, जितने भी नए चीफ मिनिस्टर्स होंगे उनके नाम आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। मेघालय के नए चीफ मिनिस्टर का नाम है कोनराड सांगमा। और सचिन तेंदुलकर जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सेवलॉन इंडिया के, और उनको वर्ल्ड फर्स्ट हैंड एम्बेसडर का नाम दिया गया है। मीराबाई चानू इन्होंने जीता है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर फॉर 2022 का अवार्ड। विनोद कुमार शुक्ला इनको मिला है पेन नबकाव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। इंडिया और फ्रांस के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है बाय द नेम ऑफ फ्रिंजेक्स 23, जो कि केरला में हुई थी। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी 54 ईयर्स बाद जीती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल की संतोष ट्रॉफी जो है जो फुटबॉल में होती है वो कर्नाटक ने जीती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है।
इसके अलावा दनील मेदवेदेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जीता है और रेड बुल के मैक्स वेस्टरैपन ने बहरीन ग्रैंड प्री 2023 अपने नाम किया है। ये नाम आप याद रखोगे, मैक्स वेस्टरैपन जो है इन्होंने बहुत सारी ग्रैंड प्रीज जीती हैं इस साल। इसके अलावा एक और नाम भी है जो आपको याद रखना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइटल्स जो कि फॉर्मूला वन में जिन्होंने जीते हैं इस साल वो मैक्स वेस्टरैपन है। अब बुक्स पे आते हैं। बुक्स में हमने देखा कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नाम की एक बुक है जिसको लिखा है सज्जन सिंह यादव ने। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधियन एरा, ये दो ऑथर्स ने लिखी है, ज्योति मणि और जी बालन की ये एक बुक है जो कि रिलीज़ हुई थी मार्च 2023 में। अब इम्पॉर्टेंट डेज की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 जो है ये 3 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम आपको याद रखनी है, दैट इज़ पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन। 8 मार्च को इंटरनेशनल वेमेंस डे मनाया गया जिसकी थीम थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एएम अहमदी जो है वो 90 ईयर्स की उम्र में उनकी डेथ हुई है। तो ये पूछा जा सकता है कि एएम अहमदी हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज, वो क्या थे, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा हमने देखा कि सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप, उनकी पहली मीटिंग हुई थी अफगानिस्तान के ऊपर इंडिया में। उसमें ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया अपना नेक्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ वीट एज एड भेजेगा अफगानिस्तान को वाया द छबार पोर्ट। छबार पोर्ट जो है वो ईरान में है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, छबार पोर्ट जो है वो ईरान में है। एंड जो पहली मीटिंग हुई थी सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप की अफगानिस्तान के ऊपर, उसमें डिसाइड हुआ था कि एड जो है इंडिया वो इसी छबार पोर्ट के थ्रू भेजेगा। योशांग फेस्टिवल मणिपुर में स्टार्ट हुआ। फेस्टिवल्स पे पूछते हैं तो याद रखना योशांग फेस्टिवल मणिपुर में होता है। इसके अलावा उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने अपने फादर एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा बीजू पटनायक के डकोटा एयरक्राफ्ट को पब्लिक व्यूइंग के लिए भुवनेश्वर में अनवील किया था। आर्मी ने टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग डोडा में इंस्टॉल किया, ये याद रखना, द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन डोडा डिस्ट्रिक्ट वॉज इंस्टॉल्ड बाई इंडियन आर्मी। इसके अलावा बेगर फ्रीस्टी नाम का एक इनिशिएटिव नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था, तो याद रखना कि बेगर फ्रीस्टी जो है ये नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। नितिन गडकरी, इन्होंने अनवील की फर्स्ट मेथनॉल रन बसेस इन बेंगलुरु। 2-डे G20 फ्लावर फेस्टिवल जो है वो न्यू दिल्ली में 11th मार्च और 12th मार्च को मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि G20 फ्लावर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ था, कनॉट पैलेस न्यू दिल्ली में 11th और 12th मार्च को। पीएम मोदी ने अनवील किया 1507 मीटर्स का वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन हुबली धारवाड स्टेशन जो कि कर्नाटक में है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो अब हुबली धारवाड प्लेटफॉर्म है जो कि है श्री सिद्धरूदा स्वामी जी स्टेशन कर्नाटक में। याद रखना ये कर्नाटक में है हुबली धारवाड प्लेटफॉर्म। आयुष मिनिस्ट्री ने योगा महोत्सव न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था। तो ऊपर हमने देखा था इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो कि उत्तराखंड ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है योगा महोत्सव 2023 न्यू दिल्ली में हुआ था। फर्स्ट प्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन मीटिंग जो है ये गुवाहाटी में हुई थी। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 न्यू दिल्ली में हुई थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन की ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है, पंचायत अकाउंट सिस्टम के पेपर में भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर से। तो ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन किया गया था। कोची मेट्रो बनी फर्स्ट टू एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग। उत्तराखंड बनी फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सीरीकल्चरिस्ट। अशोक लेलैंड ने अनवील किया ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन तमिलनाडु के प्लांट में। एंड इंडिया ने साइन किया MOC स्वीडन के साथ टू प्रमोट रिसर्च नेटवर्किंग। वंदे भारत एक्सप्रेस में एशिया की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव बनी, तो याद रखना सुरेखा यादव बिकेम द फर्स्ट एशियाज फर्स्ट वुमन लोको पायलट इन वंदे भारत एक्सप्रेस। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिस्ट हेरिटेज न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई थी मार्च में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिस्ट हेरिटेज वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। महिंद्रा ऑटो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप की टाइटल स्पॉन्सर बनी। कोलंबिया ने मिलिट्री सर्विस वेमेन के लिए खोल दी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। और इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बनी है 2023 में अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट 2023।
IDFC म्यूचुअल फंड का दूसरा नाम अब बंधन है। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए कि IDFC म्यूचुअल फंड या बंधन किसका नाम था, तो इट वॉज IDFC म्यूचुअल फंड, उसका नाम अब बंधन रखा गया है। अरुण सुब्रमण्यम बने फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट। ये भी पूछा जाता है, जब कोई इंडियन बनता है किसी फॉरेन किसी ऑर्गेनाइजेशन में हेड बनता है या किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे आता है, तो उसके बारे में भी पूछा जाता है। मानिक शाह नए चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रिपुरा के, एक्चुअली ये सेकेंड टाइम बने, इससे पहले भी बने थे, तो मानिक शाह को फिर से बनाया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। शालिजा धामी फर्स्ट वुमन ऑफिसर बनी टू कमांड ए फाइटर यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स। कर्नल गीता राणा बनी फर्स्ट वुमन ऑफिसर टू कमांड ए फील्ड वर्कशॉप। तो ये दोनों नाम आप याद रखना, शालिजा धामी और गीता राणा। इसके अलावा हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ इसके अलावा हमने देखा कि नागालैंड के चीफ मिनिस्टर बने नेफ्यू रियो, जो कि फिफ्थ टाइम बने हैं नागालैंड के चीफ मिनिस्टर। रामचंद्र पाउडेल बने नेपाल के नए प्रेसिडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल के नए प्रेसिडेंट का नाम है रामचंद्र पाउडेल। चाइना के प्रेसिडेंट फिर से बने हैं जी जिनपिंग। सिद्धार्थ मोहंती बने इंटर्म चेयरमैन LIC के, तो LIC के नए इंटर्म चेयरमैन का नाम है सिद्धार्थ मोहंती। श्रेया गोदावत, इनको ये अपॉइंट हुई है एज इंडियाज एम्बेसडर फॉर शी क्लाइमेट चेंज। तो याद रखना, इंडिया की एम्बेसडर फॉर शी क्लाइमेट चेंज बनी श्रेया गोदावत। ज्ञान चतुर्वेदी को मिला व्यास सम्मान 2023 फॉर पागलखाना। RBI के शांतिकांता दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है बाय सेंट्रल बैंकिंग। इंडिया ने गोल्ड और सिल्वर स्टार जीता है गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में। ब्रिटिश आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड को मिला है प्रिट्जकर प्राइज 2023। प्रिट्जकर प्राइज जो कि आर्किटेक्चर में दिया जाता है, वो मिला है डेविड चिपरफील्ड को। याद रखना, डेविड चिपरफील्ड को मिला है प्रिट्जकर प्राइज 2023। ऑस्कर 2023 में हमने देखा कि RRR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। तो अब वहीं पे हम देखते हैं कि ऑस्कर्स में किस चीज़ को, किस मूवी को क्या अवार्ड मिला था। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ऑस्कर 2023 में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है। ये मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये नाम आप याद रखोगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और इस मूवी ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इसी मूवी की एक्ट्रेस मिशेल युवा को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है द वेल मूवी के ब्रेंडन फ्रेजर को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के डायरेक्टर्स डैनियल क्वैन और डैनियल स्काइनर्ट को। इसके अलावा बेस्ट फिल्म एडिटिंग ये भी इसी को मिला था। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को मिला फॉर द मूवी RRR का ये सॉन्ग है। बेस्ट साउंड आप याद रखना, बेस्ट साउंड टॉप गन मैवरिक मूवी इसको मिला है। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले इसी मूवी को मिला है और बेस्ट विजुअल इफेक्ट जो है वो एवेटार द वे ऑफ वाटर को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमने देखा बेस्ट एनिमेटेड फिल्म वो पिनोशियो को मिला है। ये इसके डायरेक्टर का नाम है, आप बस मूवी का नाम याद रखना पिनोशियो। और ऑस्कर्स अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ये भी पूछते हैं, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो है वो नवेलनी को मिला है, ये मूवी का नाम है, ये आपको याद रखना है। इंडिया और US का जॉइंटली बनाया गया नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार सैटेलाइट जो वो इसरो ने रिसीव किया है। तो याद रखना, अगर पूछेंगे वो कि निसार क्या है, निसार इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट जो कि इंडिया और USA ने मिल के बनाया था, यानी इसरो और नासा ने मिल के बनाया था, वो इसरो को मिला है इसी साल मार्च में इसरो को मिला है। इंडिया और फ्रांस ने कंडक्ट किया मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX अरेबियन सी में। तो MPX याद रखना, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। इसके अलावा एक ला पोसे नाम की एक एक्सरसाइज होती है जो कि इंडिया की नेवी, US, जापान, फ्रांस, UK और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज के बीच में होती है। OpenAI जो कि पेरेंट कंपनी है जिसने ChatGPT को लॉन्च किया था, उन्होंने ChatGPT या GPT-4 को लॉन्च किया है जिसकी एक्यूरेसी ChatGPT-3 या 3.5 से ज़्यादा है। तो इसमें याद रखने वाली बात जो है वो GPT की फुल फॉर्म आप याद रखना, GPT की फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर्स। और इस ChatGPT को लॉन्च करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है OpenAI, याद रखना है। ये रिसेंटली भी न्यूज़ में था, इसके जो फाउंडर थे सैम ऑल्टमैन, उनको फायर किया गया था इस OpenAI नाम की कंपनी से।
इसके अलावा हमने देखा चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी हमने ऑलरेडी बताया था आपको कि ये एक चैट बॉट है, और इसके अलावा हमने देखा था कि गूगल का एक चैट बॉट है बाय द नेम ऑफ बार्ड, BARD बार्ड। इसके अलावा हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट का बिंग चैट है, वो भी एक चैट बॉट है। तो यही आप याद रखना कि चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है या चैट जीपीटी को किसने बनाया था, वो ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया था। अब बुक्स एंड ऑथर्स पे आते हैं। मंडका उपनिषद द ब्रिज ऑफ इमोर्टैलिटी, ये बुक लिखी है करण सिंह ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक जो है ये करण सिंह ने लिखी है, इसका आपको नाम याद रखना है, ये भी पूछी जा सकती है। वेटरन एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक पास्ट अवे। अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि सतीश कौशिक जिनकी रिसेंटली डेथ हुई वो क्या थे, तो याद रखना वो एक एक्टर और डायरेक्टर थे। इनको आपने डेफिनेटली देखा होगा, इनकी फ़ोटो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनको आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा। इंडिया में लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार में है 8%, इसके अलावा केरला में 94% की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। नरेंद्र सिंह तोमर ने इनॉग्रेट किया एग्री यूनिफेस्ट बेंगलुरु में, याद रखना एग्री यूनिफेस्ट बेंगलुरु में हुआ था। संपना रमेश जो है ये फास्टेस्ट इंडियन बनी टू स्विम अक्रॉस द पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है, जो आपको मैप पे दिख सकती है, उसको क्रॉस करने वाली फास्टेस्ट इंडियन बनी संपना रमेश, ये आपको याद रखना है। राजस्थान चीफ मिनिस्टर ने 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और 3 नए डिविजन्स की अनाउंसमेंट की है, याद रखना अगर पूछा जाए तो याद रखना 19 नए डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान में बने हैं। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, इसकी डेट याद रखना, ये 18 से लेकर 22 मार्च तक हुई थी और ये हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपको पता होगा जो 2023 है वो इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस किया गया है, इसी के रिलेटेड ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस या श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस जो है ये हुई थी मार्च में न्यू दिल्ली के अंदर। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन स्टेटहुड एक्टिविस्ट के लिए अनाउंस की है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स कलर प्रेजेंट किया INS द्रोणाचार्य को, तो ये नाम आप याद रखना, एयरक्राफ्ट कैरियर है INS द्रोणाचार्य जिसको प्रेसिडेंट कलर मिला है प्रेसिडेंट से। इंडियन रेलवेज नेट जीरो कार्बन एमिटर बनेगी बाय 2030। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली को रैंक किया गया है बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया फॉर 5th टाइम। इंडिया और श्रीलंका ने इनॉग्रेट किया एग्जीबिशन जेफरी बावा, जो कि एक आर्किटेक्ट थे, तो जेफरी बावा एक श्रीलंकन आर्किटेक्ट है, इनके नाम पे न्यू दिल्ली में एक एग्जीबिशन हुआ था जो इंडिया और श्रीलंका ने एक साथ इनॉग्रेट किया था, तो जेफरी बावा याद रखना ये एक आर्किटेक्ट थे। यूनियन गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन अनाउंस की है CISF में अग्निवीर्स के लिए, तो जो फॉर्मर अग्निवीर्स रहे होंगे उनके लिए CISF में 10% रिजर्वेशन अनाउंस की गई है। इंटरनेशनल SME कॉन्वेंशन 2023 न्यू दिल्ली में हुआ। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन्स डल लेक में इनॉग्रेट किए गए थे इसी साल, तो ये पूछा जा सकता है कि डांसिंग फाउंटेन्स और एरेटर कहाँ पे इनॉग्रेट किए गए थे, या याद रखना ये डल लेक में हुए थे। इंडिया 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल करेगा 5th पोषण पखवाड़ा, इसकी थीम आप याद रखना ये न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टूवर्ड्स ए हेल्दी इंडिया, ये आपकी इसकी थीम याद रखना, और इसकी डेट भी आप देखना इंटरनेट से कि ये कब मनाया गया था। रणवीर सिंह ये इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ 2023 बने हैं। QS वर्ल्ड रैंकिंग, यहाँ पे दो रैंकिंग्स है, एक तो टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग होती है जो कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को दुनिया भर के कॉलेज को रैंक करती है, तो QS एक है और एक टाइम्स रैंकिंग है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है जिसको THE रैंकिंग भी कहते हैं। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग में IIT बॉम्बे इंडिया का फर्स्ट रैंक्ड इंस्टीट्यूशन था, जो कि वर्ल्ड में 47th नंबर पे आया था। दिल्ली 4th नंबर पे आया है इन वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़, लाहौर 1st नंबर पे है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ लाहौर। US रिकग्नाइज मैकमोहन लाइन एज इंटरनेशनल बॉर्डर, अगर आपको याद होगा मैकमोहन लाइन जो कि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश एरा में एक बॉर्डर बनाई गई थी बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, जो कि चाइना है, चाइना के अंडर आता है, तो इंडिया और चाइना के बीच में ये मैकमोहन लाइन है जो कि इसको USA ने एक इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्नाइज किया है। अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया इसको LAC मानता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है, ना कि इंटरनेशनल बॉर्डर। LAC मतलब है कि LAC का मतलब है कि इसके इस तरफ इंडिया का कंट्रोल है और उस तरफ चाइना का कंट्रोल है, लेकिन इंडिया इसको नेसेसरली नहीं मानता है कि मैकमोहन लाइन के उस तरफ जो टेरिटरी है वो चाइना की है, वैसे ही चाइना भी नहीं मानता है, लेकिन US ने इसको एज इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्नाइज किया है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसका मतलब है कि उस तरफ चाइना है, इस तरफ इंडिया है।
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया 13 स्पॉट पे आया है, जिसमें अफगानिस्तान नंबर 1 पे आया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 126 है, जो हमने ऑलरेडी देखा। फिनलैंड ने टॉप किया है, ऊपर हमने देखा था। अब टाइम लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2023 रिलीज हुई है, जिसमें लद्दाख और मयूरभंज आए हैं। मयूरभंज जो है वो उड़ीसा के अंदर है, ये आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है बिंग इमेज क्रिएटर, जिसको OpenAI का DALL-E सॉफ्टवेयर जो है वो DALL-E मॉडल जो है वो पावर करता है। अब यहाँ पे जो आपको चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये है कि जैसे हमने देखा था कि OpenAI का चैट बॉट है उसका नाम है ChatGPT, वैसे ही OpenAI का एक इमेज क्रिएटर है, एक जनरेटिव AI मॉडल है, जिसको DALL-E कहते हैं। DALL-E क्या है? बेसिकली एक मॉडल है या एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप यहाँ से प्रॉम्प्ट देते हो, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हो, वहाँ से आपको इमेज देगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ से लिखोगे इसको अ मैन होल्डिंग स्टिक इन हिज हैंड, तो ये आपको एक इमेज बना के देगी जिसमें एक बंदा होगा, उसके हाथ में स्टिक होगी। तो इसको हम जनरेटिव AI कहते हैं, और ये एक जनरेटिव AI मॉडल है DALL-E के नाम से, जिसको जो कि OpenAI कंपनी का है। और माइक्रोसॉफ्ट ने बिंज इमेज क्रिएटर नाम का एक ऐसा ही जनरेटिव AI मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, जिसको जो कि OpenAI के इसी DALL-E सॉफ्टवेयर पे चलता है। नेशनल, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का फोर्थ बिगेस्ट मर्जर हुआ है बिटवीन, वो हुआ है HDFC और HDFC बैंक का। तो दो कंपनीज है, एक है HDFC और एक है HDFC बैंक। ये अलग अलग कंपनीज होती थी, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन दोनों का मर्जर हुआ है, ये अब दोनों एक ही बन गई हैं। तो याद रखना, ये वर्ल्ड की फोर्थ बिगेस्ट ट्रांजैक्शन बनी है। यहाँ पे AIS ऐप ना AIS नाम की एक ऐप लॉन्च हुई है फॉर द टैक्स पेयर्स बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसमें आप याद रखना, AIS जो है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, इसमें से ये पूछा जा सकता है। एरिक गर्सेटी अपॉइंट हुए हैं न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया। TCS के नए CEO का नाम है कीर्तिवसन। रतन टाटा को अपॉइंट किया गया है एज एन ऑनररी ऑफिसर इन द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर हिज रोल इन द बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तमिल राइटर शिवासंकारी को सरस्वती सम्मान 2023 मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 का सरस्वती सम्मान तमिलनाडु के राइटर शिवासंकारी को मिला है, तो शिवासंकारी को मिला है सरस्वती सम्मान 2023। बेंगलुरु को हेल्दी सिटी अवार्ड मिला है फॉर स्मोकिंग लॉज। नेपाल के विकेट कीपर बैट्समैन आसिफ शेख को 2022 CMJ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है। CMJ क्या है? CMJ इज़ आई थिंक समथिंग क्रिस्टोफर मार्टिन जे कुछ और है, ये इनके ऊपर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 जो है वो नेपाल के बैट्समैन आसिफ शेख को मिला है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, इसको वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है 2023 में। और इंडियन अमेरिकन मिंडी चोकलिंगम को नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल 2021 मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रेसिडेंट ऑफ USA देते हैं ये अवार्ड। नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल 2023 मिंडी चोकलिंगम को मिला है। गगनयान मिशन, अगर आपको पता होगा, गगनयान इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑफ इंडिया, उसका नाम गगनयान है। उसको एलोकेट किए गए थे 9023 crores, ये आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना कि इंडिया के फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का नाम गगनयान है, जो कि आई थिंक अगले साल लॉन्च किया जाएगा। एशिया का लार्जेस्ट 4 meter लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेट किया गया उत्तराखंड में। एशियन खो खो चैंपियनशिप फॉर मैन एंड वुमेन असम में स्टार्ट हुई। रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस प्लेयर है वो बने हैं ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन ATP मास्टर्स। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था मैक्स वेस्टैपन के बारे में बताया था कि उन्होंने ज़्यादातर जो ग्रांड प्रीज हुई थी वो उन्हीं ने ही जीती है, लेकिन सऊदी अरेबियन ग्रांड प्री जो है वो सर्गियो पेरेज ने जीती है। इंडिया, ये आप याद रखना, सर्गियो पेरेज इनका नाम और भी आएगा, और मैक्स वेस्टैपन, ये दो नाम है जो आपको याद रखने हैं। इंडिया होस्ट करेगा 2023 SAFF चैम्पियनशिप्स को बेंगलुरु में। ISF शूटिंग वर्ल्ड कप जो है वो भोपाल में हुआ था। सरबजीत सिंह ने गोल्ड जीता है ISSF वर्ल्ड कप में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ISSF वर्ल्ड कप में इंडिया के सरबजीत सिंह ने गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में। इसके अलावा हीमा दास और NC सोजन ने इंडियन ग्रांड प्री एथलेटिक्स के 200 मीटर्स और लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता है। विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022, ये बुक लॉन्च की है इंद्रजीत सिंह राव ने।
अब इंपॉर्टेंट डेज पे आते हैं, तो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट आप याद रखना, इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। और 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। इनको आप 2-3 बार पढ़ लेना। नेक्स्ट इज कैबिनेट ने 4% हाइक को अप्रूव किया है, डीए जो कि डेयरनेस अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, उसमें 4% का हाइक अनाउंस किया गया है। नाउ इट विल बी आई थिंक 41% शायद अब ये डीए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। लोकसभा ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1.18 लाख करोड़ का बजट अप्रूव किया है। ये फिगर आप याद रखना, 1.18 लाख करोड़ का बजट जम्मू एंड कश्मीर के लिए अप्रूव किया गया है। अब यहाँ पे एक पोर्टल है, ऐप है, जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग। ये याद रखना, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी फॉर डिगिंग एजेंसीज। इसका नाम आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 करोड़ का पेनल्टी लगाया है केरला गवर्नमेंट पर फॉर द फेलियर टू प्रोटेक्ट रामसर साइट्स। ये पूछा जा सकता है कि किस स्टेट पर रामसर साइट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल होने पे 10 करोड़ का पेनल्टी एनजीटी ने लगाया है, दैट इज़ केरला। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर इंश्योरेंस क्लेम्स। याद रखना, पूछा जा सकता है कि डिजी क्लेम किस लिए है। दिस इज़ फॉर फार्मर इंश्योरेंस क्लेम्स। गवर्नमेंट ने 1275 रेल स्टेशन को आइडेंटिफाई किया है अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये नंबर आप याद रखना, 1275 रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 9000 स्कूल्स को शॉर्टलिस्ट किया है फॉर प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कीम के अंडर 9000 स्कूल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, 9000 आप याद रखना। गिरिराज सिंह ने इनिशिएट किया है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम। याद रखना, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम एक यूनिक इनिशिएटिव है अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY स्कीम के अंडर कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम को इनिशिएट किया गया है। ये याद रखना, ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंडर आता है। एनवायरमेंट मिनिस्टर ने लॉन्च किया है आरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये याद रखना, आरावलीज जो हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया की वीडियो में देखा था, ये एक 1400 किलोमीटर्स लॉन्ग और 5 किलोमीटर वाइड एक ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा अराउंड अरावली माउंटेन इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात एंड दिल्ली एंड द यूटी ऑफ दिल्ली। इस प्लान को इंस्पायर किया, दिस प्लान इज इंस्पायर्ड बाय अफ्रीकाज ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो कि सेनेगल से जिबूटी तक 2007 में बनाया गया था। जयपुर को इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम मिला है, जो कि अनिल अग्रवाल के नाम पे बनाया जाएगा। फर्स्ट G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग गांधीनगर गुजरात में हुई है, कैपिटल ऑफ गुजरात। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी को यूरोपियन GI टैग मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन GI टैग मिला है कांगड़ा टी को। और कांगड़ा टी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। कांगड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो याद रखना कांगड़ा टी बिलोंग्स हिमाचल प्रदेश, जिसको यूरोपियन GI टैग मिला है। इजिप्ट ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स बैंक को एज न्यू मेंबर। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ 5 नेशंस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स, इनका एक बैंक भी है बाय नेम ऑफ ब्रिक्स बैंक, एंड उसको इजिप्ट ने ज्वाइन किया है एज न्यू मेंबर। तो याद रखना, इजिप्ट हैज ज्वाइन ब्रिक्स बैंक एज अ न्यू मेंबर। एक्सिस बैंक हैज लॉन्च्ड माइक्रोपे बेस्ड ऑन पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल पेमेंट्स। फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट दिल्मा रोसेफ को इलेक्ट किया गया है एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट हैं फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट दिल्मा रोसेफ। मनमीत कोलन बने हैं फर्स्ट असिस्टेंट पुलिस चीफ। कनेक्टिकट इज स्टी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। MT वासुदेवन नायर एक ऑथर और स्क्रीन प्ले राइटर है, इनको मिला है केरला का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। याद रखना, MT वासुदेवन नायर हैज़ बीन अवार्डेड केरलाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। लुई कैफरेली को एबेल प्राइज़ मिला है 2023 का। इंपॉर्टेंट है, एबेल प्राइज मैथ्स में दिया जाता है और इस साल ही मिला है लुई कैफरेली को। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फोसवाल ने शेख मुजीबुर रहमान को एक यूनिक लिटरेरी अवार्ड दिया है फॉर हिज ट्रिलॉजी ऑफ बुक्स, जिसमें द अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952 आते हैं। इन 3 बुक्स के लिए शेख मुजीबुर रहमान को लिटरेरी अवार्ड दिया है सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर
फाउंडेशन ने। एंड शेख मुजीबुर रहमान ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बांग्लादेश के, एंड इन्हीं का शायद आई थिंक फ़ोटो बांग्लादेश की जो करेंसी है टाका उस पर भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर की आलिया मीर को वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन अवार्ड 2023 मिला है। आलिया मीर जो है ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में काम करती है, इनकी वीडियो शायद आपने देखी होंगी वाइल्ड कैचिंग स्नेक्स एंड डिफरेंट अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को कैच करते हुए इनको आपने इनको देखा होगा। नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने। इंडिया और यूके की जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कोनकन अरेबियन सी में हुई, तो कोनकन याद रखना ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूके की आर्मीज़ के और नेवीज़ के बीच में। मुंबई इंडियंस ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई इंडियंस वन द वुमेन्स प्रीमियर लीग, यानी वुमेन्स आईपीएल जो है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है, ये याद रखना है। वुमेन्स आईपीएल है, मेन्स आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। सात्विक साईराज, रन किरेडी एंड चिराग शेट्टी विन स्विस ओपन डबल्स टाइटल। स्विस ओपन जो कि होता है बैडमिंटन में, इसको जीता है रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। डायरेक्टर प्रदीप सरकार, इनकी डेथ हुई है, तो ये पूछा जा सकता है प्रदीप सरकार जिनकी रिसेंटली डेथ हुई वो क्या थे, वो डायरेक्टर थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज इंटेल, जिनकी चिप्स जिनके सीपीयूज आपने देखे होंगे उसके को फाउंडर हैं गॉर्डन मूर। गॉर्डन मूर की भी डेथ हुई, तो याद रखना अगर पूछा जाए गॉर्डन मूर क्या थे, ये फाउंडर थे इंटेल के। एंड इनका एक लॉ भी है बाय द नेम ऑफ मूर्स लॉ जो कि बहुत फेमस है इन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। इनका एक लॉ है बाय द नेम ऑफ मूर्स लॉ जो कि कहता है कि द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन ए चिप डबल्स एवरी 2 years, उसको मूर्स लॉ कहा जाता है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द मार्च एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द अप्रैल। फर्स्ट इज सागर सेतु मोबाइल ऐप, ये याद रखना, सागर सेतु मोबाइल ऐप जो है ये प्रोवाइड करेगी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड कस्टम्स इंक्लूडिंग द वेसल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, गेट्स, कंटेनर फ्रीट स्टेशन एंड ट्रांजेक्शंस। तो सागर सेतु जो कि शिपिंग इंडस्ट्री में के लिए एक ऐप है, इसका नाम आप याद रखना, इसका नाम है सागर सेतु मोबाइल ऐप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे फ्रेंच नेशनल डे परेड पे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। तो 14 जुलाई को फ्रांस में मनाया जाता है बैस्टल डे पैरेड, जिसको बैस्टल डे मनाया जाता है, बैस्टल डे वहाँ का, या उसको फ्रेंच नेशनल डे पैरेड भी कहते हैं। उस दिन के गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो 14 जुलाई को होगा, ये आपको याद रखना है, हुआ एक्चुअली 14 जुलाई को है। एर्वाकुलम नेशनल पार्क ये केरला में है, इसको मिला है एक फर्नेरियम। तो इसमें आपको याद रखने वाली बात है कि एर्वाकुलम नेशनल पार्क जो है ये केरला के अंदर है। इंडिया 2026 तक वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बनेगा। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कूल रूफ पॉलिसी टू बीट द हीट। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटका ने टॉप किया है अमंग लार्ज स्टेट्स। आईआईटी कानपुर ने होस्ट किया Y20 कंसल्टेशन अंडर द G20। इसमें आपको बस ये याद रखना है कि Y20 जो है वो आईआईटी कानपुर, Y20 कंसल्टेशन की मीटिंग जो है वो आईआईटी कानपुर में हुई थी। यूपी गवर्नमेंट जो है वो एक यूपी एजुकेशन सर्विस सेलेक्शन कमीशन बनाएगा फॉर टीचर्स रिक्रूटमेंट। तो जैसे यहाँ पे JKSSB होता है, वैसे ही वहाँ पे टीचर्स के लिए एक सेपरेट सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा यूपी में बाय द नेम ऑफ यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। छत्तीसगढ़ नागरी डुबराज राइस, इसको मिला है GI टैग। अब यहाँ पे GI टैग्स जो इस साल मिले हैं उनमें इंपॉर्टेंट है नागरी डुबराज राइस, ये याद रखना, ये छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा मिर्चा राइस, ये बिहार का है, इसको भी GI टैग मिला है। गोंड पेंटिंग, ये इसको भी GI टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश की है। इसके अलावा केरल तमिलनाडु का एक कंबम अंगूर है, कंबम अंगूर या कंबम ग्रेप्स हैं इस, ये कंबम वैली तमिलनाडु में पाया जाता है, इसको भी GI टैग मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ये सारे GI टैग्स पूछे जा सकते हैं। जल जीवन मिशन ने अचीव किया है 60% कवरेज। इंडिया और भूटान फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाएगा अलॉन्ग देयर बॉर्डर। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अमेजन इंडिया के साथ पार्टनर करके इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को हाईलाइट करेगा। तो यहाँ पे याद रखना, अमेजन इंडिया के साथ मिलके जो INB मिनिस्ट्री है वो इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को हाईलाइट करेगा। एप्पल इनकॉर्पोरेशन अपना एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने अपना पहला स्टोर ओपन किया मुंबई में। इंडिया के अंदर पहला एप्पल का ऑफिशियल स्टोर जो है वो मुंबई में खुला है।
फिनलैंड बनी 31st मेंबर ऑफ नेटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना कि नेटो की 31st मेंबर बनी है फिनलैंड, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। जॉर्जिया बनी पहली अमेरिकन स्टेट जिसने रेजोल्यूशन पास किया है कंडमनिंग हिंदूफोबिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अलग अलग स्टेट्स हैं एंड उसका आपको पता होगा कि हर स्टेट में लाइक देयर आर डिफरेंट लॉज, और पहली स्टेट जिसने हिंदूफोबिया रेजोल्यूशन, हिंदूफोबिया को कंडम करते हुए रेजोल्यूशन पास किया है, वो बनी है जॉर्जिया। इटालियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में इंग्लिश को बैन करने के लिए रेजोल्यूशन सीक किया है। केन्या ने लॉन्च की इसकी पहली ऑपरेशनल सैटेलाइट बाय द नेम ऑफ टाइफा 1 ऑन 10th अप्रैल। याद रखना टाइफा 1 जो है ये केन्या की फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट होगी। पेरिस बैन करेगा ई स्कूटर्स को। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स इनॉग्रेट किया पुणे में। तो इफ दे आस्क दैट किस बैंक ने डेडिकेटेड ब्रांच स्टार्टअप्स के लिए इनॉग्रेट किया, दैट वाज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नासा ने अपॉइंट किया है अमित क्षत्रिया को हेड और मून टू मार्स मिशन या मून टू मार्स प्रोग्राम के हेड के तौर पर अपॉइंट किया है अमित क्षत्रिया को। यूएस सेनेट ने कंफर्म किया है रिचर्ड वर्मा को एज डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बनेंगे रिचर्ड वर्मा। आरबीआई ने अपॉइंट किया है नीरज निगम को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और वाइस एडमिरल अतुल आनंद जो है ये इन्होंने टेक ओवर किया है एज डीजी नेवल ऑपरेशंस यानी डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस। किरण नादर इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर सिविलियन अवार्ड दिया गया है। याद रखना फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है किरण नादर को। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमिर ज़ेलेंस्की को पोलैंड का हाईएस्ट ऑनर मिला है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल। याद रखना पोलैंड्स हाईएस्ट ऑनर अवार्ड ऑनर हैज़ बीन गिवन टू व्लादिमिर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। 10th बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज स्लाइनेक्स कंडक्ट होगी कोलंबो में। स्लाइनेक्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और यूएस के बीच में कोप इंडिया नाम की एक एक्सरसाइज हुई 10th अप्रैल से। इसरो ने लॉन्च किया इसरो ने कंडक्ट किया लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। याद रखना अगर वो पूछे कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एक्सपेरिमेंट को किसने कंडक्ट किया था, दैट वॉज इसरो। इसराइल ने लॉन्च किया नेव ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट ऑर्बिट में। इस सैटेलाइट का नाम याद रखना, ऊपर हमने देखा केन्या की पहली सैटेलाइट उसका नाम था टाइफा 1, ऐसे ही याद रखना आप ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट जो है ये इसराइल की है। नासा की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच बनी फर्स्ट वुमन टू गो अराउंड द मून, फर्स्ट वुमन एस्ट्रोनॉट टू गो अराउंड द मून ये बनी नासा की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच। याद रखना क्रिस्टीना कोच बिकेम द फर्स्ट वुमन टू गो अराउंड द मून। स्काईरूट एरोस्पेस एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है इंडिया में जिसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2। तो अगर पूछेंगे कि धवन 2 किस कंपनी ने लॉन्च किया, दैट इज स्काईरूट एरोस्पेस। मैक्स वेस्टैपन इनका नाम बार बार आएगा। मैक्स वेस्टैपन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री। डेनिल मेदवेदेव ने मेडिन ने पहला मायामी ओपन टाइटल 2023 जीता है। जॉर्जिया टेंजिंग ने स्पेन मास्टर्स वेमेंस का टाइटल जीता है। वेट लिफ्टर संजिता चानू को बैन किया गया है फॉर 4 ईयर्स फॉर फेलिंग द डोप टेस्ट। 7th अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे। साहित्य अकादमी विनर सारा थॉमस पास्ट अवे। इनका नाम याद रखना सारा थॉमस, पूछा जा सकता है कि ये क्या थी, ये एक राइटर थी। केरला ने GI टैग लिस्ट, याद रखना केरला ने GI टैग लिस्ट को टॉप किया है फॉर द ईयर 2023। प्रेसिडेंट मुर्मू ने इनॉग्रेट किया गज उत्सव काजीरंगा असम में। तो गज उत्सव कहाँ हुआ है, ये गुजरात में नहीं हुआ है, गज उत्सव जो है ये हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में या काजीरंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में। सर्बानंदा सोनोवाल ने फ्लैग की स्टार्ट किया ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल योगा महोत्सव डिब्रूगढ़ असम में। डिब्रूगढ़ हमने देखा था इंटरनेशनल योगा महोत्सव, हमने देखा था इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, हमने देखा था योगा महोत्सव भी, लेकिन यहाँ पे है इंटरनेशनल योगा महोत्सव, ये डिब्रूगढ़ असम में हुआ, डिब्रूगढ़ असम के अंदर आता है। इंडिया ने रिलीज़ किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन डोगरी लैंग्वेज में पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज़ किया गया है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया है ट्यूलिप गार्डन को सनासर में, जो कि रामबन में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि ट्यूलिप गार्डन को कहाँ इनॉग्रेट किया गया था। ये सनासर रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है। जम्मू एंड कश्मीर के डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने बैसाखी महोत्सव को 13 से लेकर 15 अप्रैल तक मनाया, टू सेलिब्रेट द डोगरा कल्चर एंड हेरिटेज। ये जम्मू में मनाया गया था, ये आपको याद रखना है, इसकी डेट आपको याद रखनी है। बैसाखी महोत्सव 2023 अप्रैल 13 to 15 एट जम्मू। UIDAI ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया है। आम आदमी पार्टी को नेशनल स्टेटस मिला है, तो नाउ आम आदमी पार्टी अब स्टेट पार्टी की बजाय अब एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। नेशनल पार्टी के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि फुलफिल करने पड़ते हैं, लाइक इनके कुछ सर्टन नंबर ऑफ MPs होने चाहिए तब जाके ये फिर, और इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जब एक पार्टी वो फुलफिल करती है तो वो एक नेशनल स्टेटस उसको मिलता है। तो आम आदमी पार्टी को अब नेशनल स्टेटस मिला है। वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर UP में इनॉग्रेट किया गया है, ये आप याद रखना। वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इनॉग्रेट किया गया है UP के अंदर। हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है संजीवनी प्रोजेक्ट। नेशनल फूड कॉन्क्लेव हैदराबाद में हुआ है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है, तो यूनिफाइड पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है नेशनल अप्रेंटाइस मेला उधमपुर में अंडर स्किल इंडिया मिशन। ये आप याद रखना, ये पूछा जाएगा विद रेस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर कि अगर पूछा जाए कि नेशनल अप्रेंटाइस मेला कहाँ मनाया गया था अंडर स्किल इंडिया मिशन, दैट वॉज इन उधमपुर। एक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स होता है, वो लॉन्च किया गया है, वो रिलीज़ किया गया है 2021 और 2022 ईयर के लिए। इसमें कर्नाटका ने टॉप पोजीशन हासिल की है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज में स्टेट्स और UTs को रखा गया है, जिनका स्कोर 60 से ज़्यादा होता है उनको फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसी अचीवर, कंटेंडर और एस्पायरेंट की कैटेगरीज होती हैं, और जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको एस्पायरेंट की कैटेगरी में रखा गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर SJ शंकर ने लॉन्च किए तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट युगांडा में। याद रखना, तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है ये युगांडा कंट्री के अंदर लॉन्च किया गया है। PM मोदी फ्लैग्स ऑफ राजस्थान्स फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। UP के सुहेलवा सेंचुरी में पहला फोटोग्राफिक प्रूफ मिला है टाइगर्स का, तो यहाँ पे टाइगर्स को पहली बार रिकॉर्ड किया गया है, फोटोग्राफ्स उनकी उठाई गई हैं। तो ये याद रखना कि सुहेलवा सेंचुरी जो है यूपी के अंदर है। तो ये जब करंट अफेयर्स में कोई एक सेंचुरी या कोई वाइल्ड लाइफ रिजर्व का नाम आता है तो वो पूछा जा सकता है कि सुहेलवा कहाँ है, ये यूपी के अंदर है। W20 इंटरनेशनल मीटिंग जयपुर में हुई है। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है स्टे सेफ कैंपेन, तो ये पूछा जा सकता है कि स्टे सेफ कैंपेन को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया, तो इट वॉज व्हाट्सएप। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है विनायक दामोदर सावरकर VK सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी को एज स्वतंत्र वीर गौरव दिन। तो अगर पूछा जाए कि वीर सावरकर भी इनको कहा जाता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को किस स्टेट ने स्वतंत्र वीर गौरव दिन अनाउंस किया है, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। कोलकाता मेट्रो बनी फर्स्ट मेट्रो ट्रेन टू रन अंडर रिवर। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी बल्दिय CM है इंडिया के। NHAI दैट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साइन किया है MOU विद नागार्जुना सागर एंड श्रीसाइलाम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र और तेलंगाना में आते हैं। तो याद रखना, नागार्जुना सागर और श्रीसाइलाम टाइगर रिजर्व कहाँ आते हैं, ये आंध्र में आते हैं। बीहू जिसके बारे में हमने कल्चर एंड हेरिटेज वाली वीडियो में पढ़ा है, जो कि एक फोक डांस है असम का, उसकी एक परफॉर्मेंस हुई थी जो कि गाइनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है, जिसमें 11,000 डांसर्स और ड्रामर्स ने परफॉर्म किया है बीहू डांस को। तो बीहू याद रखना, ये असम का एक डांस है एंड ये पूछा जा सकता है। SJ शंकर ने इनॉग्रेट किया है बूजी ब्रिज को मोजाम्बिक में, तो बूजी ब्रिज कहाँ है, मोजाम्बिक में। इसके अलावा हमने देखा था अभी एक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है बाय द नेम ऑफ तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो युगांडा में इनॉग्रेट किया गया। ऐसे एक बूजी ब्रिज नाम का एक ब्रिज है, इसको इनॉग्रेट किया है SJ शंकर ने इन मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जो है एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। इंडिया को इलेक्ट किया गया है टू यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर 4-year term। इंडिया की रैंक 5th है इन कंट्रीज विद मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करने वाली कंट्रीज में 5th नंबर पे है इंडिया। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में इंडिया 77th स्पॉट पे है। वेनेजुएला जो है इसकी फर्स्ट प्लेस है, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। गाना बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव करने वाली पहली कंट्री बनी है गाना, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। NSE इंडिसेस
येस बैंक बनी फर्स्ट इंडियन कंपनी विद ओवर 50 लाख शेयर होल्डर्स. तो फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव मोर देन 50 लाख शेयर होल्डर्स, ये है येस बैंक, इसका नाम आप याद रखना. UEFA, दैट इज यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर सेफेरिन. इनको 2027 तक इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ UEFA. आर राव, इनको मिला है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स. तो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स 2023 मिला है आर राव को, जो कि एक स्टेटिस्टिशियन है, वर्ल्ड रेनाउंड इंडियन स्टेटिस्टिशियन है. भारत बायोटेक को मिला है वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना. वर्ल्ड वैक्सीन 2023 पे अवार्ड मिला है भारत बायोटेक कंपनी को. कुमार मंगलम बिरला को मिला है बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड का अवार्ड. एक्स कवच नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में हुई थी. ये किन के बीच में होती है ये आप नेट से जाके सर्च करोगे. साउथ कोरिया टू कंडक्ट फर्स्ट लॉन्च ऑफ कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट. इसमें आपको आई डोंट थिंक ये दिस वुड बी आस्क्ड, बट अगर पूछा जाए तो मे बी पूछ सकते हैं कि विच एशियन कंट्री लॉन्च्ड फर्स्ट कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट. तो ये याद रखना ये साउथ कोरिया थी. किम कॉटन बनी फर्स्ट फीमेल एम्पायर इन ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट. बहुत इंपॉर्टेंट है, ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्स्ट फीमेल एम्पायर बनी किम कॉटन. और बाद में हम देखेंगे कि काउंटी में फर्स्ट फीमेल कौन थी, उनका नाम हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए आप किम कॉटन का नाम याद रखोगे. डेविड वार्नर बने फास्टेस्ट स्कोर 6000 रन इन IPL. प्रियांशु रजावत ने जीता ऑर्लीन्स मास्टर मेन सिंगल टाइटल. सऊदी अरेबिया ने रिसीव किया फ्लैग टू होस्ट द FEI वर्ल्ड कप फाइनल्स 2024. डी गुकेश ने जीता वर्ल्ड चेस आर्मागेडन एशिया एंड ओशिनिया का इवेंट. अमन सहरावत ने गोल्ड जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में. कगिसो रबाडा बने फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन IPL. लेजेंडरी थिएटर एक्टर जलाबाला वेद्या की डेथ हुई है, इनका नाम याद रखना. जलाबाला वेद्या जो थे वेद्या थी वॉज ए थिएटर एक्टर. इंडिया स्टील 2023 मुंबई में हुई है. इसके अलावा जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया तो आइडेंटिफाई पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स. तो याद रखना युवा पोर्टल किन के रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू स्टार्टअप्स. गवर्नमेंट ने लॉन्च किया संगठन से समृद्धि स्कीम, ये याद रखना. इट विल एम्पावर मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउसहोल्ड्स बाय ब्रिंगिंग ऑल एलिजिबल रूरल वेमेन इनटू द फोल्ड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. याद रखना संगठन से समृद्धि जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रिलेटेड है. PM मोदी इनॉग्रेटेड फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली. J&K एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लॉन्चेस कृषि संपर्क अभियान फ्रॉम 24th of April एंड विल लास्ट फॉर 4 months. ये याद रखना किसान संपर्क अभियान वॉज लॉन्च बाई जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फ्रॉम 24th April. मणिपुर CM इनॉग्रेट्स हुन थड़ाओ कल्चरल फेस्टिवल. याद रखना हुन थड़ाओ कल्चरल फेस्टिवल मणिपुर में हुआ था. एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने साथी नाम का एक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया. साथी की फुल फॉर्म याद रखना इट्स सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री. तो सीड्स के रिलेटेड ये पोर्टल है, साथी याद रखना इट्स रिलेटेड टू सीड्स. नेशनल मेडिकल कमीशन ने नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज अप्रूव किया है. तो नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज NMC ने अप्रूव किया है. केरला ने लॉन्च किया वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट. याद रखना वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट केरला ने लॉन्च किया है. IIT मद्रास सेटअप करेगा इसका पहला इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया में. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत न्यूज़ में भी आया था. आई थिंक इसका मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था कि IIT मद्रास का पहला इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया में होगा. तंजानिया में एक सिटी है बाय द नेम ऑफ जंजीबार. जंजीबार के अंदर IIT मद्रास का कैंपस बनेगा. इंडिया ने प्रपोज किया है टू डेवलप G20 पार्क इन दिल्ली. हमने देखा था G20 फ्लावर फेस्टिवल वो हुआ था दिल्ली में, वैसे ही एक G20 पार्क बनेगा न्यू दिल्ली के अंदर. US बिकम्स इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल 2023. सीरिया बिकम्स वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट. इंडिया ने ओवरटेक किया है चाइना को एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. अब दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडिया बन चुकी है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट. एंड इंडिया की पॉपुलेशन 1.4286 बिलियन है और चाइना की पॉपुलेशन जो है 1.4257 बिलियन है. अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन में हमने देखा कि न्यूयॉर्क सेनेट ने अपॉइंट किया रोबन विल्सन को एज स्टेट फर्स्ट ब्लैक चीफ जज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ब्लैक चीफ जज ऑफ न्यूयॉर्क
वो बने रोवन विल्सन। क्यूबा के नए प्रेसिडेंट बने मिगेल डियाज कैनल। सेकंड टाइम ये प्रेसिडेंट बने हैं क्यूबा के, तो ये पूछा जा सकता है कि मिगेल डियाज कैनल जो हैं ये किसके प्रेसिडेंट हैं, ये क्यूबा के प्रेसिडेंट बने हैं। नंदिनी गुप्ता ने जीता फेमिना मिस इंडिया 2023। राज सुब्रमण्यम को दिया गया प्रवासी भारतीय सम्मान। उषा पटनायक ने मेलकम अदिशेषिया अवार्ड 2023 जीता है। कर्नाटका ने जीता है नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सोनम वांगचुक को दिया गया है संतोख बा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, तो ये याद रखना कि सोनम वांगचुक को जो लद्दाख के हैं इनको मिला है प्रेस्टिजियस संतोख बा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। आशा भोसले को दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023, ये याद रखना लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले जी को दिया गया है। एंजेला मर्कल जो कि लॉ मेकर है जर्मनी की, उनको दिया गया है जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट। दीपिका मिश्रा बनी फर्स्ट आईएएफ वुमन ऑफिसर टू गेट ए गैलेंट्री अवार्ड, ये नाम याद रखना, दीपिका मिश्रा बनी फर्स्ट आईएएफ ऑफिसर टू गेट ए गैलेंट्री अवार्ड। एंड शांति लाकरा को सेलेक्ट हुई थी एज फाइनलिस्ट फॉर ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2023। सिनर्जी ग्रुप ने जीता है प्रेस्टिजियस टैंकर ऑपरेटर अवार्ड। IAF to participate in the exercise in your cost in Greece. ISRO ने लॉन्च किया सिंगापुर की टेलियोस सेटेलाइट, याद रखना ये सिंगापुर की सेटेलाइट थी, याद रखना टेलियोस 2 सेटेलाइट जो है ये सिंगापुर की सेटेलाइट थी जिसको ISRO ने लॉन्च किया। सूर्य कुमार यादव एंड हरमनप्रीत कौर वेर नेम्ड एज विजडन्स लीडिंग T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। चेन्नई टू होस्ट 2023 मेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। अर्जेंटीना टू रिप्लेस इंडोनेशिया एज अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट। ज्योति सुरेखा वेनाम क्लिंचेस 2 गोल्ड मेडल्स इन आर्चरी वर्ल्ड कप। अब इंपॉर्टेंट डेज में हमने देखा वर्ल्ड हेरिटेज डे जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अर्थ डे जिसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इंपॉर्टेंट है अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है एंड इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। एंड इम्पॉर्टेंट है अब्दुल अजीम, ये रणजी प्लेयर थे यानी क्रिकेटर थे, इनकी डेथ हुई थी अप्रैल 2023 में। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। नाउ वील मूव ऑन टू द मे 2023। यूके और इंडिया नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर क्रिएट करेगा, तो याद रखना नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम मिलकर बनाएंगे। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 ये सिंथन मैदान किश्तवाड़ में 29th और 30th अप्रैल को मनाया गया। डेट याद रखनी है 29th और 30th अप्रैल को सिंथन स्नो फेस्टिवल हुआ था इन सिंथन किश्तवाड़। इंडिया ज्वाइन करेगा इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन फ्रॉम 2027। 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किए गए हैं राजस्थान में, याद रखना सोरसन किचन एंड हमीरगढ़, ये तीनों राजस्थान में हैं। दीज आर द 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स जो कि राजस्थान में डिक्लेयर किए गए हैं, तो दे विल आस्क मे बी दैट सोरसन और किचन और हमीरगढ़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स आर इन विच स्टेट, याद रखना दीज आर इन राजस्थान। देवेंद्र फडणवीस ने शिवाजी महाराज का स्टैचू मॉरिशस में अनवील किया है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है विवाद से विश्वास 2 नाम की स्कीम। तो याद रखना विवाद से विश्वास जो है ये गवर्नमेंट और PSUs के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, विवाद से विश्वास 2 नाम की स्कीम। UGC ने लॉन्च किया है यूनिफाइड रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉल्ड CU चयन। चयन जो है चयन सेलेक्शन को कहते हैं हिंदी में, एंड CU चयन जो पोर्टल है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने लॉन्च किया है फॉर द रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑन May 2, 2023। इंडियाज़ फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में इनाग्रेट किया गया है। जापान ट्रेन करेगा 1000 इंडियन इंजीनियर्स को फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इंडिया की फर्स्ट फार्मा पार्क बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में, याद रखना इंडियाज़ फर्स्ट फार्मा पार्क विल बी बिल्ट इन उत्तर प्रदेश। इंडिया ऑपरेशनलाइज करेगा सिटवे पोर्ट को म्यांमार में, तो याद रखना सिटवे पोर्ट जो है म्यांमार में है। पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट रेसिपियंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन्स इन एशिया। रशियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन स्बेर बैंक ने अनाउंस किया है ChatGPT का कॉम्पिटिटर बाय द नेम ऑफ GigaChat। तो इफ दे आस्क यू दैट
कि रशियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सिबर बैंक ने जिस AI चैटबॉट को लॉन्च किया उसका नाम क्या है, दैट इज़ गीगा चैट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक 161 है, टॉप्ड बाय नॉर्वे। UAE ने लॉन्च की है मशीन्स, UAE में हुई मशीन्स कैन सी 2023 समिट। पैराग्वे के नए प्रेसिडेंट का नाम है कोलराडो के नए प्रेसिडेंट का नाम है सेंटियागो पेना, तो सेंटियागो पेना इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वे। इंडियन ओरिजिन अजय बांगा को अपॉइंट किया गया है एज नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। रशिया की पोएट मारिया स्टेपनोवा ने लेब्जिक बुक प्राइज़ 2023 जीता है। मीरा सयाल को मिला ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बैफ्टा फेलोशिप इन लंदन। ईरान की तीन फीमेल जर्नलिस्ट नीलोफर हमीदी, इलाहिया महमूदी एंड नरगिस महमूदी ने यूएन प्राइज़ फॉर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जीता है फॉर द ईयर 2023। इसमें से जो नरगिस मोहम्मदी है इसको बाद में नोबेल पीस प्राइज़ 2023 भी मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ये तीनों जो थी ये ईरान की थी, तो नरगिस मोहम्मदी जो है इसको बाद में फिर यूएन पीस प्राइज़, इसको बाद में फिर नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। सर्गियो पेरेज ने जीता आज़रबाईजान ग्रैंड प्री 2023। ये सर्गियो पेरेज, इन्होंने सऊदी ग्रैंड प्री भी जीती थी और आज़रबाईजान ग्रैंड प्री भी जीती थी। ये दो ग्रैंड प्रीज आपको याद रखनी है, सऊदी अरेबिया एंड आज़रबाईजान ग्रैंड प्री जो है ये सर्गियो पेरेज ने जीती थी। इसके अलावा जो बाकी जितने भी हम ऑलमोस्ट देखेंगे ग्रैंड प्रीज, वो सारी जो है वो मैक्स वेरस्टैपेन ने जीती हैं। डिंग लायरन ये बने चाइना के फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। याद रखना, डिंग लायरन बिकम्स चाइनाज फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने मेंस डबल्स बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीती है। इनका हमने इसे पहले भी देखा था, इनने शायद स्विस ओपन जीता था। इसके अलावा अभिलाष टॉमी जो है ये फर्स्ट इंडियन बने टू कम्प्लीट गोल्डन ग्लोब रेस 2022। मेहराज अहमद खान एंड गनमीत सेखोन, इन्होंने गोल्ड जीता है ISSF दैट इज़ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप के अंदर। नेपाल ने जीता ACC मेंस प्रीमियर कप। लुका ब्रेसिल ने जीता वर्ल्ड स्नोकर चैंपियनशिप। जेवेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग का टाइटल जीता है। मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता मायामी F1 ग्रैंड प्री। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने मैड्रिड ओपन जीता है। याद रखना, ये टेंस में खेला जाता है मैड्रिड ओपन, ये जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। 30th अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। एमिनेंट हिस्टोरियन रंजीत गुहा, इनकी डेथ हुई है, तो पूछा जा सकता है कि रंजीत गुहा जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है वो क्या थे। याद रखना, ही वॉज ए हिस्टोरियन। ऑयल मिनिस्ट्री पैनल ने प्रपोज किया है बैन ऑन फोर व्हीलर डीजल व्हीकल्स बाय 2027, तो फोर व्हीलर डीजल व्हीकल्स पर बैन लग जाएगी 2027 के बाद। जैसा हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम के डिपॉजिट्स पाए गए थे, उसके बाद राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड में भी लिथियम के डिपॉजिट्स पाए गए थे। इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन द कमिंग ईयर्स वी विल सी EVs या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमें बूम देखने को मिलेगा, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरीज यूज होती है वो मेनली वो लिथियम पावर्ड होती है। लिथियम इज़ गोइंग टू बी प्रोमिनेंट एलिमेंट जिसके डिपॉजिट्स हमें जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। बॉर्डर हार्ट ये इंडिया और बांग्लादेश में इनाग्रेट किया गया था। उत्तर प्रदेश बनी फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन। उत्तर प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सक्षम याद रखना, सक्षम इज़ ए डेडिकेटेड एंड यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन टू ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स। सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा सक्षम, जिसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो सक्षम याद रखना, ये किसके लिए है, सक्षम इज़ फॉर द ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। बिट्स प्लानी डेवलप बेस मास्क विद अ सेंसर टू चेक फॉर इलनेस। एंड माई GOV एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट। तो युवा प्रतिभा याद रखना, ये एक सिंगिंग टैलेंट हंट था। इसके बाद हमने देखा हरित सागर
इसके बाद हम देखा पंजाब बनी फर्स्ट स्टेट टू एनफोर्स राइट टू वॉक, ये पूछा जा सकता है राइट टू वॉक एनफोर्स करने वाली पहली स्टेट बनी पंजाब। केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू हैव ड्रोन सर्वेलेंस इन ऑल पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स। मुंबई टू होस्ट फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट। सिस्को जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी है, ये स्टार्ट करेगी मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के अंदर। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको मिला इंडियाज फर्स्ट रीडिंग लाउंज। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया हीम डेटा पोर्टल। हीम इसमें हिमाचल से आप हीम से आप हिमाचल अंदाज़ा लगा सकते हो, तो हीम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च किया CPACE। CPACE क्या है? CPACE इज सेंट्रल सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल ब्रसल्स में हुई। अश्विनी विश्वास ने लॉन्च किया संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल क्या है ये याद रखना, संचार साथी पोर्टल लॉस्ट स्मार्टफोन्स को ट्रैक करने के लिए है। याद रखना संचार साथी पोर्टल इज टू हेल्प इंडियन मोबाइल यूजर्स टू ट्रैक एंड ब्लॉक लॉस्ट स्मार्टफोन्स एंड आइडेंटिटी थेफ्ट फोर्ज्ड KYC इस रिलेटेड जितने भी इशूज़ होंगे उनको इस पोर्टल पर आप रजिस्टर कर सकते हो। तो अगर आपको कोई फ़ोन आपका गुम हो गया है, यू कैन इस पोर्टल पे जाके आप उसको ट्रैक कर सकते हो। उत्तर प्रदेश रैंक सेकंड इन कंट्री विथ 48 GI टैक्स। तमिलनाडु लीड्स विथ 55 GI टैक्स। तो सबसे ज़्यादा GI टैक्स जो है तमिलनाडु में है एंड सेकंड नंबर पे जो है दैट इज़ उत्तर प्रदेश। बस आप फर्स्ट याद रखना सबसे ज़्यादा GI टैक्स जो है तमिलनाडु के अंदर है। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो इन दिल्ली। 42nd आसियान समिट जो है वो इंडोनेशिया में हुई। याद रखना इस साल की जो आसियान समिट है वो इंडोनेशिया में हुई। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2023 ये बर्लिन जर्मनी में हुआ। 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये ढाका में हुई। दीपिका पडुकोन अपियर हुई टाइम मैगजीन पे, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अफगानिस्तान में रिपोर्ट हुई फर्स्ट पोलियो डेथ ऑफ 2023। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक है भारत पे की चाइल्ड कंपनी पे बैक इंडिया को रीब्रांड किया गया है एज जिलियन। याद रखना जिलियन किसका नाम है, अब पे बैक इंडिया का नाम अब जिलियन रखा गया है। मनोज सोनी UPSC के नए चेयरमैन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोज सोनी टेक्स ऑथ एज द न्यू UPSC चेयरमैन। अर्जेंटीना के लायोनल मेसी ने जीता लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड। UP के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड मिला है। कोचिन पोर्ट को मिला सागर श्रेष्ठा सम्मान अवार्ड 2023। इसमें बाकी अवार्ड्स भी हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नॉन कार्गो कैटेगरी में ये कोचिन पोर्ट को मिला। कार्गो हैंडल कैटेगरी में ये कार्गो हैंडलिंग में ये दीनदयाल पोर्ट को मिला है और नॉन कंटेनर पोर्ट में ये कोचिन पोर्ट को मिला है। एक्चुअली टर्न अराउंड टाइम की कैटेगरी में ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को मिला है फॉर द कंटेनर पोर्ट एंड फॉर नॉन कंटेनर पोर्ट ये कोचिन पोर्ट को मिला है। इंडिया इंडोनेशिया के बीच हुई एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। याद रखना समुद्र शक्ति होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। यशस्वी जायसवाल ने बनाई फास्टेस्ट 50 IPL की। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप साउथ कोरिया में होगी। बार्सिलोना ने लालीगा को पहली बार जीता है सिंस 2019। याद रखना लालीगा 2023 जो कि फुटबॉल में एक टूर्नामेंट होता है उसको बार्सिलोना ने जीता है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज इस बुक को लिखा है अमिताभ कंठ ने। अमिताभ कंठ जो हैं ये नीति आयोग के चेयरमैन थे। 11th मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। उसकी जो थीम थी वो थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। समरीश मजूमदार जो हैं इनकी डेथ हुई, ये याद रखना ये एक ऑथर थे। 3rd G20 टूरिज्म की मीटिंग श्रीनगर में हुई थी जिसके आपने वीडियोस आई गेस देखी होंगी सोशल मीडिया पे जब फॉरेन डेलीगेट्स आए थे, तो वो हुई थी 22nd से लेकर 24th मई तक। तो ये G20 टूरिज्म मीट हुई थी श्रीनगर के अंदर। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस की माइलस्टोन अचीव की है। पहल नाम का एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है ये रूरल चिल्ड्रन के लिए, इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये याद रखना दैट पहल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम इज़ फॉर रूरल चिल्ड्रन। इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन करोना फॉर साइक्लोन हिट म्यांमार। अगर पूछा जाए ऑपरेशन करोना ये लॉन्च किया गया था म्यांमार में जो साइक्लोन आई थी उसकी वहाँ उनको असिस्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने इनॉग्रेट किया इंडिया का लॉन्गेस्ट
स्काई वॉक ब्रिज इन तमिलनाडु, तो अगर पूछा जाए तो याद रखना इंडियाज लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड इन तमिलनाडु। मध्य प्रदेश के भोपाल बनी फर्स्ट टी इन इंडिया टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस को मेजर करने वाली पहली सिटी बनी भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया होस्ट करेगा क्वाड समिट को 2024 में, इंडिया होस्ट करेगा 44th ISO COPOLCO प्लेनरी को भी। पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है फिजी और पापुआ न्यू गिनिया ने। महाराष्ट्र बनी फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू अप्रूव गुड गवर्नेंस रेगुलेशन, केरला टू बी द फर्स्ट फुली ई गवर्नड स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फुली ई गवर्नड स्टेट बनेगी केरला। द ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री जो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्री माना जाता है उसको पाया गया है चिली के अंदर। आयरलैंड बनी फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस हेल्थ वार्निंग्स ऑन एल्कोहल। इंडिया की GDP जो है उसने 3.5 trillion क्रॉस किया है इन 2022 अकॉर्डिंग टू मूडीज रिपोर्ट। अर्जुन राम मेघवाल को न्यू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, ये याद रखना अर्जुन राम मेघवाल बने नए लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिद्धार्थमैया कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर हैं, इंपॉर्टेंट है, सिद्धार्थमैया इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। चंडीगढ़ को फर्स्ट रैंक मिला है इन नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022। चंडीगढ़ यूटी को मिला है फर्स्ट रैंक इन नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। बुल्गारियन राइटर जॉर्जियो गोस्पोंडिनोव ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 फॉर टाइम शेल्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, ये मिला है जॉर्जियो गोस्पोंडिनोव को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गौतम बुद्ध नगर यूपी में होंगी, यूपी में हुई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। रस्किन बॉन्ड की नई बुक का नाम है द गोल्डन ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर्स में पूछा जा सकता है, द गोल्डन ईयर्स नाम की बुक जो है इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। कॉमनवेल्थ डे 24th मई को मनाया गया, इसकी थीम थी फोर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। सिद्धार्थ बाबू ये याद रखना ये एक एक्टर थे, इनकी डेथ हुई थी रिसेंटली। गिरिराज सिंह लॉन्च समर्थ कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस एट ग्राम पंचायत लेवल, ग्राम पंचायत लेवल पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए समर्थ कैंपेन को लॉन्च किया गया था। पटना की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी फर्स्ट टू यूज CBDC दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको यूज़ करने वाली पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। बैंड्रा वर्सोवा सी लिंक को अब नाम रखा जाएगा वीर सावरकर के नाम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंड्रा वर्सोवा सी लिंक, जिसको आपने शायद बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा, इसका नाम अब वीर सावरकर के नाम पे रखा गया है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ कि इंडिया का AI सुपर कंप्यूटर आर्यवत इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना है, तो इससे पहले अगर आपको याद होगा परम सिद्धि AI वॉज द फास्टेस्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर, नाउ आर्यवत या AI रावत भी आप इसको पढ़ सकते हो, दिस इज़ नाउ द इंडियाज़ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, और ये इंस्टॉल किया गया है CDAC पुणे में। CDAC इज़ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर, पुणे में इसको इंस्टॉल किया गया है। सिडनी में हैरिस पार्क को नाम रखा गया है लिटिल इंडिया, तो याद रखेंगे लिटिल इंडिया हैरिस पार्क को नाम रखा गया है, ये सिडनी के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक शहर है। इसके अलावा हमने देखा कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने, बोला अहमद तिनुबू जो है ये नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट हैं जो हमने ऑलरेडी मार्च में देखा था। चमनलाल ये फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिनल लॉर्ड मेयर बने बर्मिंघम सिटी के। आईफा अवार्ड्स में हमने देखा बेस्ट फिल्म दृश्यम को मिला, बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन को मिला फॉर रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल ये मिला गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए फॉर आलिया भट्ट को, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल ये मिला ऋतिक रोशन को फॉर विक्रम वेदा, और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा ये मिला है कमल हसन को। एंड 57th नान पीस अवार्ड ये दिया गया गोवा के राइटर दामोदर मावजो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दामोदर मावजो जो गोवा के एक राइटर थे इनको दिया गया है ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। ईरान ने लॉन्च किया है बैलिस्टिक मिसाइल खैबर, याद रखना खैबर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने वाली कंट्री का नाम ईरान है। इसके अलावा हमने देखा फर्स्ट वुमन अरब वुमन एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस, इसका नाम है रयाना बरनावी, बहुत इंपॉर्टेंट है रयाना बरनावी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस।
जुगलबंदी एआई चैटबॉट, जुगलबंदी नाम का एक एआई चैटबॉट है। ये एक मल्टीलिंगुअल यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस में चलने वाला एक एआई चैटबॉट है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, ये आप याद रखना, इट वाज लॉन्च बाय माइक्रोसॉफ्ट। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हरा के आईपीएल 2023 जीता। मैक्स वेस्टैपन ने मोनाको ग्रैंड प्री 2023 जीता। एंड इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलंथ्रोपिस्ट करमुटू टी कानन की इस साल डेथ हुई थी। इसके साथ ही वी हैव फिनिश द करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मे, नाउ वी मूव ऑन टू द मंथ ऑफ जून। अहमदनगर का नाम अब अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। 1275 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। एम्स नागपुर बना फर्स्ट एम्स टू रिसीव NABH accreditation, that is National Accreditation Board for Health, I guess. तो एम्स नागपुर याद रखना, दिस इज द फर्स्ट एम्स टू रिसीव NABH accreditation. श्रीनगर टू बिकम स्मार्ट सिटी बाय जून 2024. NIRF रैंकिंग 2023 में IIT मद्रास ने टॉप रैंक हासिल की है इन ओवरऑल कैटेगरी, वाइल ISC बैंगलोर को फर्स्ट रैंक मिला है यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। तो याद रखना, इन ओवरऑल कैटेगरी IIT मद्रास हैज़ टॉप्ड एंड इन द यूनिवर्सिटी कैटेगरी ISC बैंगलोर हैज़ टॉप्ड इन NIRF, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023। इंडियाज़ फर्स्ट जीरो कार्बन विलेज बनाया जाएगा भिवंडी महाराष्ट्र में। तो भिवंडी महाराष्ट्र वुड बिकम द फर्स्ट जीरो कार्बन विलेज इन इंडिया। जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर फेस्टिवल को J&K के भदरवा में इनॉग्रेट किया। लेवेंडर फेस्टिवल याद रखना, ये भदरवा J&K में लॉन्च इनॉग्रेट किया गया है। PM मोदी फ्लैग्स ऑफ टू स्कीम्स नेम्ड अमृत धरोहर एंड मिस्टी टू रिवाइव वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव्स। याद रखना, अमृत धरोहर और मिस्टी नाम की स्कीम जो हैं, ये वेटलैंड्स और मैंग्रोव्स को रिवाइव करने के लिए लॉन्च की गई हैं। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने लॉन्च किया वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन 2023। इसके अलावा MB एम्प्रेस इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल बनी। MB एम्प्रेस बिकम्स इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल। इसको फ्लैग ऑफ किया गया आई थिंक चेन्नई से श्रीलंका के लिए। मध्य प्रदेश ने लॉन्च की CM लर्न एंड अर्न स्कीम। MP ने ही लॉन्च की थी लाडली बहना की भी स्कीम। यूनिवर्सिटी ऑफ ईडनबर्ग ने लॉन्च किया हिंदी कोर्स, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। UAE विंस प्रेसिडेंसी ऑफ वर्ल्ड मेटलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, वर्ल्ड मेटलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी अब UAE के पास है। कैनेडा बिकम्स फर्स्ट टू स्टार्ट पुटिंग हेल्थ वार्निंग्स ऑन सिगरेट्स। इसराइल ने टेस्ट किया फर्स्ट ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी। अल्जीरिया, गयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियारा लियोनी एंड स्लोवेनिया इलेक्ट किए गए हैं एज न्यू नॉन परमानेंट मेम्बर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। हमने देखा था इजिप्ट बना ब्रिक्स बैंक का नया मेंबर, और UN सिक्योरिटी काउंसिल के नए नॉन परमानेंट मेंबर्स अल्जीरिया, गयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियारा लियोनी एंड स्लोवेनिया बने हैं। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की GDP को फोरकास्ट और फाइनेंशियल 2024 के लिए 6.3 बताया है। रजब तैयब अर्दगान बने फिर से प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। एडगार्स रिंकवेक्स लातविया के नए प्रेसिडेंट होंगे। यूनाइटेड जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट 78th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं डेनिस फ्रांसिस। याद रखना, डेनिस फ्रांसिस हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 78th UNGA प्रेसिडेंट। कर्नल सुचिता बनी फर्स्ट वुमन टू कमांड कम्युनिकेशन जोन। सूरीनाम एक कंट्री है, उसने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया है। तो ये याद रखना, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बाय सूरीनामे। सूरीनामे इज़ ए कंट्री, ये आपको याद रखना है। जगदीश एस बकान ने मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 जीता है। इसके अलावा 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम जो थी, दैट वाज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। वर्ल्ड ओशंस डे की जो थीम थी, दैट वाज प्लैनेट ओशन, द टाइड्स आर चेंजिंग। एक्ट्रेस सुलोचना दीदी की डेथ हुई है। सुलोचना दीदी याद रखना, शी वाज एन एक्ट्रेस। एंड गीतांजलि अय्यर, फेमस
न्यूज़ एंकर जो दूरदर्शन पर आती थी उनकी भी डेथ हुई। तो याद रखना गीतांजलि आयर वॉज ए ब्रॉडकास्टर और एंकर, सुलोचना दीदी जो थी ये एक्ट्रेस थी। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च महीर, तो महीर याद रखना इट इज़ मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। केरला ने टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स में। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कैंपेन लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ एडिक्शन फ्री अमृतकाल। इसके अलावा हमने देखा कर्नाटका ने फ्री ट्रैवल बस ट्रैवल नाम की स्कीम की है लॉन्च फॉर वेमेन बाय द नेम ऑफ शक्ति। एमपी गवर्नमेंट ने लाडली बहना स्कीम लॉन्च की है। इसके अलावा सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसको मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल ने लॉन्च किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ किया हमारी भाषा हमारी विरासत, याद रखना हमारी भाषा हमारी विरासत को ऑर्गेनाइज़ किया था नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने। आईआईटी मद्रास ने जनरेट किया हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग सोलर पैनल यूजिंग सोलर एनर्जी। हरियाणा गवर्नमेंट ने पद्म अवार्ड्स के लिए 10,000 रुपये मंथली पेंशन का अनाउंसमेंट की है, ये याद रखना किस स्टेट ने पद्म अवार्ड्स के लिए 10,000 रुपीज़ मंथली पेंशन अनाउंसमेंट की है, दैट इज़ हरियाणा। उड़ीसा ने सेलिब्रेट किया राजा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। इसराइल टू रिलीज वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड, दुनिया का पहला डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड इसराइल रिलीज करेगा। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 2023 में रेपो रेट को 6.5 पे ही रखा गया है। इसके अलावा हमने देखा अमित अग्रवाल नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं UIDAI के। एंड इसके अलावा एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ 2023 रामचंद्रा गुहा को मिला है। इंडियन फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट इसको WHO अवार्ड मिला है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है वॉइस चैट फीचर AI पावर्ड बिंग चैट में। जैसे हमने देखा था कि बार्ड और चैट GPT जो है वो चैट बॉट्स हैं, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का जो चैट बॉट है उसका नाम है AI, उसका नाम है बिंग चैट और उसमें अब वॉइस चैट का भी ऑप्शन आया है। मैनचेस्टर सिटी बना मोस्ट वैल्यूबल फुटबॉल क्लब इन यूरोप। फ्रेंच ओपन जो कि टेनिस में एक टूर्नामेंट होता है उसके विनर्स की लिस्ट आपको याद रखनी है। अगर आप मेन सिंगल्स और वेमेन सिंगल याद रखोगे आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा। मेन सिंगल्स की कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ने जीता है एंड फ्रेंच ओपन 2023 वेमेन सिंगल कैटेगरी में ईगा स्वाइटिक ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC टेस्ट चैंपियनशिप जीती है बाई डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल। ऑस्ट्रेलिया ने इसी साल ICC 50 ओवर वर्ल्ड कप भी जीता है बाय डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल। इंडिया हैज़ वन वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। उरुग्वे ने फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। इसके अलावा इटली के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सिल्वियो बर्लुस्कोनी की डेथ हुई है, तो याद रखना सिल्वियो बर्लुस्कोनी इटली के प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी इस साल डेथ हुई। इंडियन नेवी के आउटरीच प्रोग्राम जूले लद्दाख को लॉन्च किया गया, तो याद रखना जूले लद्दाख जिसका ट्रांसलेशन हेलो लद्दाख होता है ये एक आउटरीच प्रोग्राम है इंडियन नेवी का। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जूले लद्दाख किसका आउटरीच प्रोग्राम है, इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स, तो याद रखना ये इंडियन नेवी का एक आउटरीच प्रोग्राम है। राजस्थान गुजरात एंड तमिलनाडु टॉप अचीवर्स हैं इन विंड एनर्जी के सेक्टर में। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने UP प्रिजंस को रिफॉर्म होम्स का नाम दिया है, तो याद रखना रिफॉर्म होम्स किस स्टेट के प्रिजंस को अब कहा जाएगा, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। वर्कारी कम्युनिटी ने पालखी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया महाराष्ट्र में, तो पालखी फेस्टिवल महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया गया। गूगल एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन को लॉन्च किया है। कर्नाटका की फ्री पावर स्कीम गृह ज्योति स्कीम 200 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी वहाँ के लोगों को। UP टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट MotoGP इवेंट इन सेप्टेम्बर, इंडिया का पहला MotoGP इवेंट UP में होगा एंड एग्जैक्टली मुझे शायद NCR के रीजन में कहीं पे ये होगा। सूरत हैज़ सेट द गाइनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन योगा डे। UNDP पार्टनर्स विद दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन टूवर्ड्स एम्पावरिंग वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। USA यूनेस्को को फिर से ज्वाइन करेगा जुलाई 2023 से। यूरोप इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वार्मिंग क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट। ब्रिटेन
ने अपॉइंट किया है जेन मैरियट को एज फर्स्ट फीमेल एनवॉय टू पाकिस्तान. इंपॉर्टेंट है, जेन मैरियट इज़ द फर्स्ट फीमेल एनवॉय टू पाकिस्तान फ्रॉम ब्रिटेन. रवि सिन्हा रॉ के नए चीफ होंगे. नुसरत चौधरी फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फेडरल जज होंगी यूएस की हिस्ट्री में. फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फेडरल जज इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस, उनका नाम नुसरत चौधरी है. एंड फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम पेट्री ऑर्पो है. इसके अलावा गीता प्रेस जो कि गोरखपुर का एक प्रेस है, प्री इंडिपेंडेंस एरा का एक प्रेस है, उसको गांधी प्राइज पीस प्राइज 2021 मिला है. ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे. जर्मन पीस प्राइज 2023 सलमान रश्दी को मिला है. इसके अलावा जयशंकर अवार्ड की आचार्य गोपी को मिला है. इंडिया ने गिफ्ट किया है आईएनएस किरपान वियतनाम को. ये इंपॉर्टेंट है, किस कंट्री को इंडिया ने गिफ्ट किया है आईएनएस किरपान, दैट इज़ वियतनाम. एशिया कप 2023 श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला गया. इसके अलावा हमने देखा भवानी देवी ने हिस्ट्री क्रिएट की है बाई विनिंग इंडियाज फर्स्ट मेडल इन एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप्स. भवानी देवी बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप्स. 37 नेशनल गेम्स के मैस्कट का नाम मोगा है, ये आप याद रखेंगे. 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है. इस साल की योगा डे की थीम थी योगा फॉर वासुदेवा कुटुंबकम. वासुदेवा कुटुंबकम जो है ये थीम थी G20 की भी, एंड योगा फॉर वासुदेवा कुटुंबकम इंटरनेशनल योगा डे की थीम थी. इसके अलावा वेतस्ता महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है. वेतस्ता अगर आपको पता होगा ये नाम है, जहलम का पुराना नाम है. एंड वेतस्ता महोत्सव ये SKIC श्रीनगर में 23rd से लेकर 25th जून तक मनाया गया. एंड इसमें 1900 आर्टिस्ट्स एंड फ्रॉम कश्मीर एंड 150 आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था. इट वॉज कंडक्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. अमित शाह ने बलिदान स्तंभ की फाउंडेशन स्टोन डाली प्रताप पार्क में. ये इंपॉर्टेंट है, बलिदान स्तंभ की फाउंडेशन स्टोन कहाँ डाली गई, SP पार्क श्रीनगर में. टाइम्स एशिया रैंकिंग में ISC बेस्ट अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आया है. हमने ऊपर देखा था QS रैंकिंग्स में IIT बॉम्बे ने टॉप रैंक हासिल की थी. इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन ये जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में चलेगी. फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन वुड रन इन जिंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. इसके अलावा हमने देखा 7 प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश गेट जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग. ऊपर भी हमने 4-5 GI टैग्स देखे थे, यहाँ पे 7 प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश गॉट GI टैग्स. इसमें अमरोहा ढोलक, महोबा, गोरा, पठार, हस्तला शिप, मणिपुरी तरकाशी, संबल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट एंड कालपी हैंडमेड पेपर, इन सब को मिला है. ये आपको याद रखने हैं कि कालपी हैंडमेड पेपर जैसे 7 प्रोडक्ट्स जो हैं ये उत्तर प्रदेश से हैं जिनको मिला है GI टैग. कैबिनेट ने PM प्रणाम स्कीम को अप्रूव किया है टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स. तो याद रखना PM प्रणाम स्कीम जो है ये अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने के लिए स्कीम है. जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक 127 है. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 40 है. एंड इंडिया बीट्स चाइना टू बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क. RBI ने इम्पोज किया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक और एक्सिस बैंक पर 255 crores का पेनल्टी. एंड इसके अलावा ग्रीस के नए प्राइम मिनिस्टर क्रियोस्कोस मित्सोताकिस बने हैं. PM मोदी को इजिप्ट का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नाइल मिला है. ये याद रखना, इजिप्ट हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ नाइल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है. प्रिया AS इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 फॉर चिल्ड्रन लिटरेचर मिला है. एंड पंडित पी डी बॉल इनको मिला है फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. IIT कानपुर ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग. अगर आपको याद होगा अभी अभी दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी यूजिंग दिस क्लाउड सीडिंग टेक्निक, एंड इसकी टेस्ट फ्लाइट IIT कानपुर ने कंडक्ट की थी. नोबल विनिंग लिथियम बैटरी इन्वेंटर जॉन गुडेनफ डाइज एट 100. याद रखना इंपॉर्टेंट है, लिथियम बैटरी को इन्वेंट करने वाले नोबल प्राइज विनिंग इन्वेंटर जॉन गुडेनफ की इस साल डेथ हुई थी. तो जॉन गुडेनफ वॉज द इन्वेंटर ऑफ लिथियम बैटरी जिनकी डेथ इस साल हुई थी. विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द करंट अफेयर्स ऑफ जून. नाउ विल मूव ऑन टू द जुलाई. नाउ मूविंग ऑन टू द जुलाई 2023, इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस न्यू दिल्ली में हुई. इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर काकरापार गुजरात में इनाग्रेट किया गया. बहुत इंपॉर्टेंट है, काकरापार न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो गुजरात में है
ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जिसका ऑपरेशन जुलाई 2023 में स्टार्ट हुआ था। बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज न्यू दिल्ली में ये एग्जीबिशन हुआ था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रैंक नंबर 1 इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैटेगरी। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने लॉन्च किया ई सरस मोबाइल ऐप। याद रखना, ई सरस मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च्ड अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इंडियाज़ फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में लॉन्च हुआ। जे एंड के ने रिटायरमेंट एज को इंक्रीज़ किया फॉर द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स टू 65। सिक्स सेस्मोग्राम टावर्स हैव बीन सेट अप इन जोशीमठ उत्तराखंड टू मॉनिटर द लैंड सिंकिंग। अगर आपको पता होगा जोशीमठ उत्तराखंड में लैंड सिंकिंग हो रही थी। ये पूरा एक आई वुड से एक टाउन है जोशीमठ जो कि सिंक हो रहा था। अब वहाँ पे 6 सेस्मोग्राम टावर्स को इंस्टॉल किया गया है। वर्ल्ड फेमस श्रवणी मेला दियोगढ़ झारखंड में इनॉग्रेट किया गया। वर्जिन गैलेक्टिक लॉन्चेस फर्स्ट कमर्शियल स्पेस फ्लाइट। न्यूजीलैंड बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स। मेटा हैज़ लॉन्च द थ्रेड्स ऐप। ट्विटर या ट्विटर जिसका नाम अब एक्स है, एक्स का एक कंटेंडर ऐप बनाया गया है बाय द नेम ऑफ थ्रेड्स। इसको लॉन्च किया गया मेटा ने, मेटा जो कि पेरेंट कंपनी है फेसबुक की। HDFC मर्जर यानी HDFC और HDFC बैंक का मर्जर। वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बना अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। बैंक ऑफ इंडिया बिकम्स फर्स्ट बैंक टू ऑफर महिला सम्मान सर्टिफिकेट्स। अजय भटनागर को अपॉइंट किया गया है एज स्पेशल डायरेक्टर इन CBI। कोल इंडिया के नए चेयरमैन का नाम PM प्रसाद है। तुषार मेहता को रीअपॉइंट किया गया है एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख हैज स्टेप डाउन आफ्टर 46 ईयर्स। पेन पिंटर प्राइज 2023 माइकल रोजन को मिला है। SpaceX ने लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस टेलीस्कोप ऑयक्लिड टू एक्सप्लोर डार्क यूनिवर्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑयक्लिड यूरोपियन स्पेस टेलीस्कोप है जिसको SpaceX ने लॉन्च किया है। इसके अलावा हमने देखा इंडिया ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप 2023 जीती है। यूनियन गवर्नमेंट ने तंजानिया के साथ MOU साइन किया है टू सेट अप IIT मद्रास कैंपस एट जंजीबार, जो हमने ऑलरेडी देखा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड केन्या को होस्ट करेगा इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल को। याद रखना, इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल को इंडिया और केन्या एक साथ मिलकर होस्ट करेंगे। इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक थीम पार्क वुड बी अनवेल्ड इन नोएडा। हमने देखा था फर्स्ट फार्मा पार्क UP में बनेगा, ऐसे ही नोएडा के अंदर फर्स्ट वैदिक थीम पार्क बनेगी। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, ये याद रखना है, इंडिया और US ने मिल के कंडक्ट की थी ये एक्सरसाइज। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है क्वी लैंग्वेज को फॉर द इंक्लूजन इन 8th शेड्यूल। सिक्किम ने टॉप किया है स्मॉलर स्टेट्स में एंड UP ने टॉप किया है बिगर स्टेट्स में इन ग्रीवेंस रेड्रेसल इंडेक्स। एयर एम्बुलेंस डिप्लॉय की गई है समृद्धि एक्सप्रेस में। याद रखना, अगर पूछा जाए किस ट्रेन में एयर एम्बुलेंस लॉन्च की डिप्लॉय की गई है, दैट समृद्धि एक्सप्रेस। इंडिया का फर्स्ट रीजनल AI एंकर लीजा, याद रखना, इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल AI एंकर, इसका नाम लीजा है। जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है मोबाइल दोस्त ऐप। याद रखना, मोबाइल दोस्त ऐप जो है ये प्रोवाइड करेगी एक्सेस फॉर द सिटीजन्स टू गवर्नमेंट सर्विसेज, एमरजेंसी हेल्पलाइंस एंड अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज। चाइना ने लॉन्च किया है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द नेम ऑफ ओपन काइलिन। याद रखना, ओपन काइलिन ऑपरेटिंग सिस्टम चाइना ने लॉन्च किया है, चाइना ने लॉन्च किया है। पेरू ने डिक्लेयर की है हेल्थ एमरजेंसी ओवर गुइलियन बैर सिंड्रोम आउटब्रेक। इंडिया ने US को सरपास किया है टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट। इंडिया US को सरपास करेगी टू बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बाई 2075 अकॉर्डिंग टू द गोल्डमन साक्स। जम्मू कश्मीर बैंक ने जीता है अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन कासा, दैट इज करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट। RBI ने अपॉइंट किया है P वासुदेवन को एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। PM मोदी को अवार्ड को मिला है लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023। याद रखना, लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है। फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर ये PM मोदी को मिलेगा। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन को स्कॉच अवार्ड मिला है, ये याद रखना, J&K रूरल लाइवलीहुड मिशन को स्कॉच अवार्ड मिला है। जापान और इंडिया के बीच की मैरिटाइम एक्सरसाइज JMX 23 विशाखापट्टनम में हुई। इंडिया करेगा इंडिया ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 का
लैंडर और रोवर लॉन्च किया था, यही डेट याद रखना, 14 जुलाई को इन्होंने इसको लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 वाज लॉन्च ऑन 14th जुलाई। चाइना लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट मेथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। इसके अलावा हमने देखा पीयूष गोयल ने लॉन्च किया सेल ऑफ सब्सिडाइज चना दाल अंडर भारत दाल। भारत दाल अगर आपको पता होगा इसके अंडर नाम से सब्सिडाइज दाल इंडिया के अंदर बेची जा रही है, तो याद रखना सब भारत दाल जो है ये नाम है सब्सिडाइज चना दाल का। गुजरात टू गेट इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। इसके अलावा हमने देखा राकेश पाल बने 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड्स। इंडिया ने हैंड ओवर किए INS किरपान टू वियतनाम, जो हमने ऑलरेडी देखा। विंबलडन 2023 में याद रखना मेंस सिंगल्स में कार्लस एल्क्राज ने जीता, ये टेंस टूर्नामेंट होता है, और वुमेन्स सिंगल्स में मार्केटा वंडरसोवा ने जीता है। इंडियन शटलर यानी इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रिंका रेड्डी ने गाइनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर द फास्टेस्ट बैडमिंटन शॉट। मैथमेटिशियन डॉक्टर मंगला नादिकर की डेथ हुई है, ये मैथमेटिशियन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमान चांडी याद रखना, ओमान चांडी ये केरला के चीफ मिनिस्टर थे, इनकी भी डेथ हुई, तो याद रखना अगर पूछा जाए ओमान चांडी जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2023 को गांधीनगर गुजरात में इनॉग्रेट किया। CSIR IIIM जम्मू इंडिया का पहला कैनबिस मेडिसन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। सर्ट इंडिया दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने अकीरा रैनसमवेयर पे इशू अलर्ट किया है, अलर्ट इशू किया है। याद रखना अकीरा क्या है, अकीरा याद रखना एक रैनसमवेयर है। अगर पूछा जाए अकीरा क्या है, जो न्यूज़ में था अकीरा एक रैनसमवेयर था जिसके बारे में हमने कंप्यूटर अवेयरनेस की वीडियोज़ में पढ़ा है। मछिल माता यात्रा ये किश्तवाड़ में स्टार्ट हुई, याद रखना मछिल माता यात्रा ये किश्तवाड़ में लॉन्च स्टार्ट हुई। अमेजन इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर बनाए ओपन करेगा डल लेक में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ट्विटर का नाम अब एक्स रखा गया है। इटली ने इंडियन आर्मी के वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कंट्रीब्यूशंस के लिए इंडियन आर्मी को ऑनर दिया है। हेरिटेज बाइकुला रेलवे स्टेशन मुंबई को यूनेस्को अवार्ड 2023 मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना हेरिटेज बाइकुला रेलवे स्टेशन याद रखना ये मुंबई में है, इसको यूनेस्को अवार्ड 2023 मिला है। SpaceX ने लॉन्च किया Jupiter 3 जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड द जुलाई, नाउ वी विल मूव ऑन टू द अगस्त। अगस्त में हमने देखा मुंबई थाने टू गेट फर्स्ट एवर वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस। फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस होगी बेंगलुरु में, याद रखना बेंगलुरु अगर आपको याद होगा कर्नाटक इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में होगी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, फिर से टाइगर स्टेट का स्पॉट मिला है बिकॉज इट हैज़ 785 बिग कैट्स। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया उन्मेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल्स भोपाल में यानी मध्य प्रदेश में। ईगा स्वाइटिक ने जीता WTA का टाइटल। कांग्रेस लीडर और एंड फॉर्मर स्पीकर वेनकॉम पुरुषोत्तमम की डेथ हुई है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन जोजे पॉलिनो गोमेज की डेथ हुई है एट द एज ऑफ 127। इनकी जो नेशनैलिटी है ये आप सर्च करना है, वो भी पूछी जा सकती है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। केरला असेंबली ने पास किया रेजोल्यूशन टू रीनेम केरला एज केरलम, तो केरला का नाम केरलम रीनेम करने का रेजोल्यूशन केरला असेंबली ने पास किया है। तो अगर पूछा जाएगा तो किस स्टेट ने नेम चेंज का रेजोल्यूशन पास किया, यह याद रखना है ये केरला था। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल, याद रखना सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया। UP गवर्नमेंट इंडिया का लार्जेस्ट IT हब लखनऊ में बनाएगा। कुपवारा को बेस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है अंडर PMAG कॉन्वर्जेंस स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कुपवारा डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। अनवरुल हक ककर बने हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक अनवरुल हक ककर पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर होंगे। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 जयेश सैनी को मिला। ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा मालाबार एक्सरसाइज को 2023 मालाबार एक्सरसाइज को। नीरज चोपड़ा
इंडियन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में 28 इंडियन एथलीट्स की जो टीम होगी उसको लीड करेंगे नीरज चोपड़ा। इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को था वो 77th इंडिपेंडेंस डे था और उसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट विकास सिन्हा की डेथ हुई, याद रखना विकास सिन्हा ही वॉज अ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च्ड, प्रबल याद रखना प्रबल इंडिया का फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। इंडियाज नेशनल सेंटर फॉर ओशन इनोवेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया फॉर सी फेयरर्स। इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन इन बेंगलुरु, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में ओपन हुआ है। जितेंद्र सिंह ने लोटस वैरायटी नमो 108 को अनवील किया है। ये पूछा जा सकता है कि नमो 108 किसकी वैरायटी है, ये लोटस की वैरायटी है। केरला फर्स्ट AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। 23 अगस्त 2023 को इंडिया बनी फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। 14 जुलाई को जो चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था फाइनली वो 23 अगस्त 2023 को लैंड के मून के साउथ पोल पे उसने लैंड किया और पहली कंट्री बनी जिसने मून के साउथ पोल पे लैंड किया हो। इससे पहले जिन कंट्रीज ने मून पे लैंडिंग की थी वो US, सोवियत यूनियन और चाइना थी। इस तरह से फोर्थ कंट्री बनी इंडिया टू लैंड ऑन द मून। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग को अब अस्मिता वुमेन्स लीग कहा जाएगा, ये याद रखना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इंडिया के 54th टाइगर रिजर्व को ने डोलापुर करौली टाइगर रिजर्व को 54th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है। ये राजस्थान में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। डोलापुर करौली टाइगर रिजर्व इज इन राजस्थान जो कि 54th टाइगर रिजर्व बना इंडिया का। कॉप्सिस क्या है? कॉप्सिस इज अ CRPF इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग सिस्टम जो कि CRPF अब यूज़ करेगा। श्रीलंका होस्ट करेगा फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल। काजीरंगा नेशनल पार्क गेट्स फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली घोष। इसके अलावा इंदौर ने जीता नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022। अब बहुत इंपॉर्टेंट है 69th फिल्म फेयर नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। बेस्ट डायरेक्टर मिला गोदावरी मूवी के लिए निखिल महाजन को। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट ये मिला RRR को। बेस्ट फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन ये मिला द कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट एक्टर अलू अर्जुन फॉर द मूवी पुष्पा। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर द गंगूबाई काठियावाड़ी एंड कृति सेनन फॉर द मूवी मीमी। इसके अलावा द बेस्ट हिंदी फिल्म ये सरदार उद्धम को मिला एंड बेस्ट एनिमेशन फिल्म ये मिला कंडी टुंडी को। इंडियन एयरफोर्स ने ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया इन इजिप्ट। इसरो का नेक्स्ट मून मिशन लूना पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स एक कोलैबोरेटिव वेंचर है बिटवीन जाक्सा दैट इज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एंड इसरो। नोवाक जोकोविच ने सिनसिनाटी ओपन 2023 जीता। मैग्नस कार्लसन ने आर प्रगनंदा को हरा कर चेस वर्ल्ड कप फाइनल 2023 जीता, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा बने फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवराज सिंह एंड अनुराग ठाकुर ने बुक्स रिलीज की ऑन स्पीच ऑफ PM मोदी टाइटल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। एमिनेंट स्टेटिस्टिशियन CR राव की डेथ हुई जो हमने ऑलरेडी देखा। वेटरन लिरिसिस्ट देव कोहली की भी इस साल डेथ हुई। मूविंग ऑन टू द सेप्टेम्बर 2023 गुजरात ने 27% रिजर्वेशन अनाउंस की फॉर OBCs इन लोकल बॉडीज लाइक पंचायत्स। रामनाथ कोविंद हेड करेंगे पैनल को ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु विल हेड द पैनल ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, इट्स रामनाथ कोविंद फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। CCI ने अप्रूव किया मर्जन ऑफ विस्तारा एंड एयर इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है किन दो एयरलाइंस को मर्ज किया जाएगा, दैट इज एयर इंडिया एंड विस्तारा। वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराजना स्टैचू को इंस्टॉल किया गया G20 समिट वेन्यू भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। कंट्री की फर्स्ट सोलर सिटी सांची MP होगी, फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया वुड बी MP सांची MP। इसके अलावा इंडिया विल ओपन MBC इन टाइमोर लेस्ट। टाइमोर लेस्ट एक कंट्री है जिसमें
इंडिया अपनी एम्बेसी ओपन करेगी। गीतिका श्रीवास्तव बनी फर्स्ट वुमन टू हेड इंडियन मिशन इन पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमन टू हेड इन एन इंडियन मिशन इन पाकिस्तान इज गीतिका श्रीवास्तव। इसके अलावा हमने देखा रवि कानन ने रेमन मैक्सेसे 2023 का अवार्ड जीता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रवि कानन ने जीता रेमन मैक्सेसे 2023 का अवार्ड। इसरो ने लॉन्च किया आदित्य एलवन को 2 सितंबर 2023 को फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ये इंपॉर्टेंट है। आदित्य एलवन जो कि इसरो का सन मिशन है उसको 2 सितंबर, डेट आप याद रखना, लॉन्च किया गया था। जापान की मून स्नाइपर लैंडर स्लिम को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, याद रखना मून स्नाइपर लैंडर स्लिम जापान की है, इसको भी आपको याद रखना है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, इनका नाम है मैकगेही, याद रखना मैकगेही, इसमें नाम में ही ये आता है तो इससे भी आप याद रख सकते हो, मैकगेही बिकम्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। इसके अलावा हमने देखा मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को हराकर ड्यूरेंट कप 2023 जीता, इंपॉर्टेंट है ड्यूरेंट कप इस साल मोहन बगान ने जीता, ये फुटबॉल में एक टूर्नामेंट होता है। फॉर्मर जिम्बाब्वे क्रिकेटर हीट स्ट्रीक पासेज अवे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हीट स्ट्रीक क्या थे या कहां से थे, हीट स्ट्रीक कैप्टन थे जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम के, इनकी इस साल डेथ हुई। इसके अलावा इसरो के मिशंस के का जो लॉन्च होता था कि लॉन्च के टाइम पे जो वॉइस होती थी उन लॉन्चेस में जो वॉइस यूज़ होती थी वो थी एन वलारमथी की, जिनकी इस साल डेथ हुई। इंडिया फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर बेंगलुरु में अनवील किया गया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई। इसके अलावा हमने देखा पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसने दिस वुड बी द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पहले भी हमने देखा जो एक्सेप्ट करेगा CBDC। इसके अलावा इट स्टार्ट्स ए कैश फॉर वेस्ट स्कीम, तो कैश फॉर वेस्ट स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाई पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अफ्रीकन यूनियन बिकम्स परमानेंट मेंबर ऑफ G20 अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी, ये भी मैंने आपको G20 की वीडियो में बताया था कि अफ्रीकन यूनियन बना 21st मेंबर और परमानेंट मेंबर ऑफ G20। भूटान इंट्रोड्यूसेस सेल्फ सॉवरेन नेशनल डिजिटल आईडी फॉर ऑल सिटीजंस। स्विट्जरलैंड हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट 2023। इंडिया ने लॉन्च किया हेलो UPI फॉर कन्वर्सेशनल पेमेंट्स। नजमा अख्तर एक्स वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन एकेडेमिया। INS सुमेधा पार्टिसिपेट्स इन ब्राइट स्टार 23 इन इजिप्ट। जापान ने लॉन्च किया XRISM रिसर्च सेटेलाइट, याद रखना XRISM रिसर्च सेटेलाइट को जापान ने लॉन्च किया। जर्मनी ने सर्बिया को हराकर बास्केटबॉल वर्ल्ड कप को पहली बार जीता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी बीट सर्बिया टू विन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के आपको मेन्स सिंगल के विनर का नाम याद रखना है, इट्स नोवाक जोकोविक, एंड वुमेन सिंगल्स को जीतने वाली विनर हैं कोको गॉफ, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। इसके अलावा हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बनाने वाले क्रिएटर डेनिस ऑस्टिन की इस साल डेथ हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेनिस ऑस्टिन किसके क्रिएटर थे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के क्रिएटर थे, इनकी इस साल डेथ हुई। UPAG क्या है, ये एक यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स, ये आपको याद रखना है, इसको भी इस साल लॉन्च किया गया। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कैप्टन तुषार महाजन किस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है, इट्स उधमपुर रेलवे स्टेशन। रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन वेस्ट बंगाल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है। इसके अलावा होयसाला टेम्पल्स, ये याद रखना ये कर्नाटका में है, ये 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगी इंडिया में, होयसाला याद रखना, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग का साइट बनाया गया है, 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ये कर्नाटका में है। 128th अमेंडमेंट बिल 2023 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वन थर्ड सीट्स को रिजर्व किया जाएगा फॉर विमेन इन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दिल्ली असेंबली, याद रखना लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और दिल्ली असेंबली में 1/3 सीट्स जो अब वो रिजर्व होंगी फॉर विमेन, और इन 1/3 में से भी 1/3 जो है वो रिजर्व की जाएंगी फॉर SC
एंड एसटी विमेन। इसमें आपको याद रखना है ये 19 सितंबर को इंट्रोड्यूस की गई थी लोकसभा में एंड 20 सितंबर को ये पास हुई थी लोकसभा में। गवर्नमेंट ने अनवील किया एआई चैटबॉट फॉर किसान, पीएम किसान स्कीम। याद रखना दैट एआई चैटबॉट किसके लिए लॉन्च किया गया था, किस स्कीम के लिए, इट वॉज पीएम किसान स्कीम। इसके अलावा हमने देखा डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोजल क्लियर किया टू बाय प्रले बैलिस्टिक मिसाइल्स। इंडिया ने जीता एशिया कप फॉर 8th टाइम, क्रिकेट एशिया कप इस बार भी इंडिया ने ही जीता फॉर द 8th टाइम। इसके अलावा इंडियन शूटर वेलेरवन ने ISSF वर्ल्ड कप 2023 में गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 2nd पे फिनिश किया, ये आपको याद रखना है। इंडियन ऑयल बिकम्स मोटो GP's भारत टाइटल स्पॉन्सर। इस साल जो मोटो GP भारत UP के अंदर होगी उसका टाइटल स्पॉन्सर इंडियन ऑयल होगा। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इस साल हुआ जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता, उसका ऑफिशियल एंथम है दिल जशन बोले, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड ओजोन डे की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिकवरिंग द ओजोन लेयर एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इसकी थीम थी एक्शन फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। सेनको गोल्ड ने लॉन्च किया इंडिया का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम इन मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी में पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम लॉन्च किया है सेनको गोल्ड ने। 4th एडिशन ऑफ नदी उत्सव दिल्ली में हुआ। वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 7th टाइगर रिजर्व बना MP का, याद रखना है वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व MP में है। बंगाल्स क्रिटेश्वरी बैग्स बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटेश्वरी विलेज को मिला बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया का अवार्ड। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया दैट इज़ BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम को 8 अक्टूबर को न्यू जर्सी USA में इनॉग्रेट किया गया, ये याद रखना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया न्यू जर्सी USA में इनॉग्रेट किया गया। फोन पे ने अपना ऐप स्टोर लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म टू एंड द मोनोपोली ऑफ गूगल्स प्ले स्टोर। RBI ने कैंसिल किया है लाइसेंस मुंबई बेस्ड द कपोल कोऑपरेटिव बैंक का, याद रखना अगर पूछा जाए कि रिसेंटली किस बैंक के लाइसेंस को कैंसिल किया गया, दैट वॉज द कपोल कोऑपरेटिव बैंक। वहीद रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मलयालम फिल्म 2018 इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है फॉर द ऑस्कर्स, याद रखना इस साल के ऑस्कर्स में इंडिया की जो मूवी जाएगी एज द ऑफिशियल एंट्री दैट वुड बी 2018, इसका नाम है, एक मलयालम फिल्म है। सुई रेडफर्न बिकम्स द फर्स्ट फीमेल अंपायर टू स्टैंड इन अ मेंस फर्स्ट क्लास मैच इन इंग्लैंड एंड वेल्स, याद रखना मेंस फर्स्ट क्लास मैच में फर्स्ट फीमेल अंपायर टू स्टैंड इन अ मेंस फर्स्ट क्लास मैच दैट इज सुई रेडफर्न। नेपाल क्रिएट्स हिस्ट्री विद द हाईएस्ट एवर T20 इंटरनेशनल स्कोर ऑफ 314 रन। नेपाल ने मंगोलिया के अगेंस्ट 314 रन का स्कोर बनाकर T20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट एवर स्कोर बनाया है। लिएंडर पेस फर्स्ट एशियन मैन बने जिनको टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नॉमिनेट किया गया हो, ये टेनिस प्लेयर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने देखा इस साल 19th एशियन गेम्स भी हुए थे, एशियन गेम्स 2022 जो 23 में अब हुए, ये चाइना के हुआंगझाओ प्रोविंस में हुए थे। इसको आपको याद रखना है कि ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बियरर्स थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगेन जो बॉक्सर हैं, एंड PR श्रीजे जो कि हॉकी प्लेयर हैं ये क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे। तो ओपनिंग सेरेमनी में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगेन थी एंड क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर PR श्रीजेश थे। 20th एशियन गेम्स जापान में होंगे 2027 में। इंडिया ने इस साल 107 मेडल जीते, 28 गोल्ड, आपको याद रखने हैं। इंडिया 4th रैंक पे आया ओवरऑल टैली में, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडिया ने 100 या उससे ज़्यादा मेडल जीते हों। इस साल टॉप पे फिर से चाइना रहा, चाइना ने 383 मेडल्स जीते ओवरऑल, जापान ने 188 और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 190 मेडल्स जीते। अगर कुछ एथलीट्स की बात करें तो अन्नू रानी बनी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए जेवेलिन गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स, ये याद रखना। ज्योति सुरेखा वेनाम एंड प्रवीण ओजस डियोटाले इन्होंने जीता गोल्ड इन कंपाउंड आर्चरी मिक्स टीम इवेंट,
यशस्वी जायसवाल, इन्होंने इस साल एशियन गेम्स में T20 क्रिकेट भी था, और यशस्वी जायसवाल बने यंगेस्ट इन T20 इंटरनेशनल सेंचुरियन एट द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड 279 डेज। एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स इंडिया ने जीते 29, जिसमें से 6 गोल्ड थे। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेंस जेवलिन थ्रो में, अनु रानी ने वुमेन्स जेवलिन थ्रो में, तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने मेंस शॉर्ट पुट में, अविनाश साबले ने मेंस 300 मीटर स्टेपल चेज में, पारुल चौधरी ने वुमेन्स 500 मीटर रेस में एंड क्वार्टेट ऑफ मोहम्मद अंस, अमोद जेकब, मोहम्मद अजमल एंड राजेश ने 4x400 मीटर रिले की रेस में गोल्ड मेडल्स जीते। इनके आपको नाम याद रखने ये पूछे जा सकते हैं। हॉकी में इंडिया ने गोल्ड जीता एंड जापान को फाइनल में इन्होंने 5-1 से हराया। इस साल जो नए स्पोर्ट्स एशियन गेम्स में इंट्रोड्यूस किए गए थे वो थे ई स्पोर्ट्स एंड ब्रेक डांसिंग। इसके अलावा क्रिकेट एंड बोर्ड गेम्स, कुछ बोर्ड गेम्स लाइक गो, जियांग क्यू एंड चेस फिर से 2018 के एशियाड या एशियन गेम्स के बाद फिर से रीइंट्रोड्यूस किए गए थे। तो नई जो दो स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस की गई वो ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग हैं। फॉर्मर इटली प्रेसिडेंट जॉर्जियो नेपोलिटानो इनकी डेथ हुई, एंड इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन की भी इस साल डेथ हुई। याद रखना MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, पास्ड अवे इन सितंबर 2023। नाउ मूविंग ऑन टू द अक्टूबर, कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार में है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने देखा संकल्प सप्ताह यानी संकल्प वीक, ये 3rd से लेकर 9th अक्टूबर तक मनाया गया था। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 40th थी। इसके अलावा मैथमेटिशियन जिनको रामानुजन प्राइज़ मिला 2023 का, उनका नाम है रुजियांग जेंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबल प्राइज़ 2023। फिजिक्स फिजियोलॉजी या मेडिसिन की कैटेगरी में ये मिला कैटलिन कैरिको एंड ड्रे वेस्टमैन को। कैटलिन से आप कैटल आपको याद आएगी, इलेक्ट्रिक कैटल, एंड ड्रिव से आपको ड्यू माउंटेन ड्यू याद आएगी। तो कैटल में माउंटेन ड्यू को आपने पकाया तो उससे एक दवाई बन गई, तो इससे आपको याद आएगा कि मेडिसिन में जो इस साल के विनर्स थे नोबेल प्राइज़ में वो थे कैटलिन कैरिको एंड ड्रिव वेस्टमैन। फिजिक्स में ये मिला प्रेरी अगोस्टिनी, फेरेनिक क्रुवेस एंड एन एल हॉयलियर को। केमिस्ट्री में ये मिला मोंगी जी बेवेंडी, लुविस ई ब्रूस एंड एलेक्सी आई एकिमो को। लिटरेचर में मिला जॉन फॉसी को। पीस में नोबेल पीस प्राइज 2023 मिला ईरानियन जर्नलिस्ट नरगिस मोहम्मदी को, एंड नोबेल पीस प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला क्लोडिया गोल्डन को। गोल्ड से आपको इकोनॉमिक्स याद आएगा, तो क्लोडिया गोल्डन को मिला नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2023। नूर 3 सैटेलाइट ये ईरान ने लॉन्च किया है, चाइना ने लॉन्च किया योगेन 3304 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। हमने एशियन गेम्स में देखे डिफरेंट इवेंट्स, जिसमें हमने देखा तेजेंद्र पाल सिंह तूर, ऐसे अविनाश साबले, इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते, अनु रानी ने भी गोल्ड मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड जीता। इसके अलावा इंडियन मेंस फुटबॉल टीम ने SAFF अंडर 19 चैम्पियनशिप भी जीती। ICC 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऑफिशियल मैस्कॉट्स का नाम ब्लेज और टोंक था। ब्लेज एंड टोंक वेयर द ऑफिशियल मैस्कॉट्स फॉर 2023 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। ICC ने सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर डिक्लेयर किया फॉर ODI वर्ल्ड कप 2023। ईरानी कप इस साल रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट ऑफ इंडिया वन द ईरानी कप 2023। नेवी का अपडेटेड इंडिजीनियस प्रोग्राम स्वावलंबन 2.0 राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया, ये याद रखना ये नेवी का था। 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, याद रखना। PM मोदी ने अनाउंस किया कि सेंट्रल ट्रिब्यूनल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जाएगी तेलंगाना में। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश ने डिक्लेयर किया डॉल्फिन को एज स्टेट एक्वाटिक एनिमल, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश हैज़ डिक्लेयर्ड डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वाटिक एनिमल। ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था इंडियन नेशनल्स को इसराइल से इवैक्यूएट करने के लिए 7 अक्टूबर के हमास के अटैक के बाद, वहाँ से इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था। लेक लड़की स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की, वर्ल्ड फूड इंडिया दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जाएगी। उदयपुर बनी इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड सिटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया इज उदयपुर।
हमास के अटैक के बाद इसराइल ने जो रिटेलिएशन में अटैक लॉन्च किया था ऑन गजा, इट वॉज कॉल्ड एज आयरन स्वॉर्ड्स, इसका नाम याद रखना आयरन स्वॉर्ड्स ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाई इसराइल आफ्टर हमास अटैक। इसके अलावा क्लॉडिया गोल्डन को वर्ल्ड को नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला फॉर हर फॉर वर्क ऑन इकोनॉमिक लेबर मार्केट। डगलस टू बी ऑनर्ड विद सत्यजीत रे फिल्म अवार्ड। इसके अलावा हमने देखा वहीद रहमानी को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। नेशनल गेम्स 2023 गोवा में हुए थे। लद्दाख संस्कार फेस्टिवल का 8th एडिशन इस साल अक्टूबर में हुआ। माड़ी नाम का एक गरबा सॉन्ग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। अमूल का बी मोर मिल्क कैंपेन टाइम्स स्क्वायर के होर्डिंग पे दिखाया गया था। CBSE ने डेवलप किया विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश। डैनियल नबोवा बने इक्वाडोर के यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट। क्रिस्टोफर लक्शन बी इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। उड़ीसा के नए गवर्नर का नाम है रघुबार दास एंड त्रिपुरा के नए गवर्नर का नाम है इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू। गुजरात डोडो अवार्डेड एज गुजरात के डोडो विलेज को अवार्ड दिया गया एज UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023। अबाबील वेपन सिस्टम को लॉन्च किया गया बाय पाकिस्तान। जापान बिकम्स फर्स्ट नेशन टू लॉन्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। नासा हैज़ लॉन्च ए स्पेस क्राफ्ट कॉल्ड साइकी। याद रखना साइकी स्पेस क्राफ्ट जो है इसको नासा ने लॉन्च किया। इसरो टू टेस्ट कंट्रीज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान। याद रखना दयाबाई शास्त्री एक स्कॉलर थे संस्कृत के, इनकी साल डेथ हुई। इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 को फरवरी में न्यू दिल्ली में। अमित शाह ने इंडिया का पहला नैनो डायमोनियम फॉस्फेट डैप प्लांट इन गुजरात में इनॉग्रेट किया। विमर्श नाम का एक नेशनल हैकाथॉन हुआ था ऑन 5G टेक्नोलॉजी। याद रखना विमर्श नेशनल हैकाथॉन वॉज हेल्ड ऑन 5G टेक्नोलॉजी। FATF ने केमन आइलैंड्स को रिमूव किया फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। राजकुमार राव को अपॉइंट किया गया एज इलेक्शन कमीशन नेशनल आइकन, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकुमार राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमीशन नेशनल आइकन। इसके अलावा हमने देखा स्काईरूट एरोस्पेस ने Vikram-1 रॉकेट को अनवील किया। रघुराम राजन की नई बुक ब्रेकिंग द मोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 24th अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे की थीम थी द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन बिशन सिंह बेदी की इस साल डेथ हुई, जो कि फादर है अंगद सिंह बेदी के एंड इनकी इस साल डेथ हुई। ये याद रखना बिशन सिंह बेदी क्रिकेटर थे, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन भी ये रह चुके हैं। फर्स्ट ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडट्री इज नो मोर। याद रखना फर्स्ट ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडट्री की भी इस साल डेथ हुई थी। विद दिस वी कंक्लूड द करंट अफेयर्स सेशन फ्रॉम जनवरी 2023 टिल अक्टूबर 2023।